नमामि धन्वन्तरि वादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष दर्पण द्वारा आयोजित क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, जो रात के 8:30 बजे लगातार इसका प्रसारण आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। आयुष दर्पण यह क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा वैद्यों के ज्ञान के वर्धन के लिए करता है। इस संभाषा का उद्देश्य केवल और केवल क्लिनिकल नॉलेज का को अपग्रेड करना है। आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संभाषा में भाग ले रहे वैद्य और उनके द्वारा बताए जा रहे समस्त उपचार, ये आयुष दर्पण इनकी कोई पुष्टि नहीं करता। आयुष दर्पण के इस संभाषा में प्रतिभाग कर रहे किसी भी वैद्य द्वारा कोई भी विचार किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी दवा कंपनी के बारे में या किसी भी संबंध में दिया गया विचार उस वैद्य का निजी विचार है। इससे आयुष दर्पण का कोई लेना देना नहीं है। आयुष दर्पण किसी भी कंपनी, किसी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, किसी भी वैद्य के द्वारा बनाई गई दवा के प्रभाव की पुष्टि नहीं करता। इस संभाषा को देखकर यदि आपने किसी भी वैद्य से कोई भी दवा मंगाई तो उससे आने वाले हानि और लाभ दोनों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयुष दर्पण यह क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा ज्ञान वर्धन के लिए आयोजित करता है। आप सभी इस संभाषा से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आयुष दर्पण डिजिटल के गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा CAX 429 ज्वाइन करें बैच को, वहां से भी आप इस संभाषा से जुड़ सकते हैं। इस संभाषा में आप प्रतिभाग करना चाहते हैं तो 9410379397 इस नंबर पर आप संपर्क करें। वहां से गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा जिससे आप इस संभाषा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आयुष दर्पण आप सभी का इस संभाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मैं आप लोगों को ना कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ेगा प्रैक्टिस में। तो ना अभी COVID-19 का दौर है तो हम यह ना ज्यादातर प्राणवायु स्रोत का ही बीमारी है। इसमें ज्वर प्राधान्य रूप से आ रहे हैं, अग्नि मानदेय रह रहे हैं, कफ वात प्रधान सारे सिम्टम्स इसमें देख रहे हैं और मूलतः अगर देखें तो शीत गुण बढ़ा हुआ ऐसा आ रहा है। तो इसमें ना द्रव्य हम लोग जो चिकित्सा के लिए देते हैं वह उष्ण दीपन पाचन ऐसी दवाइयां देनी पड़ती है। और दूसरा क्या है कि इसमें ना हम लोग क्या आयुर्वेद के हिसाब से और क्या क्या दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें ना नस्य देना चाहिए,
पेशेंट को अणु तेल का या तिल तेल का नस्य प्रिवेंशन के लिए तो देना ही चाहिए, सभी लोगों को बोलना चाहिए। उसी तरह से प्रतिमर्श नस्य करेंगे तो कोविड का काफी हद तक फायदा हो जाता है, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज है, नाक से मुंह से बहुत जाता है, तो इसलिए नस्य करना अच्छा है। गंडूष और कवल धारण करना अच्छा है। और काढ़ा अगर पीना है तो तुलसी, दालचीनी, शुंठी और काला मिर्च ऐसा काढ़ा बना के अगर पियेंगे सुबह और शाम, ज्यादा नहीं पीना है, सुबह और शाम पीने से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। सुबह उठ के रसायन काल में च्यवनप्राश खाने को देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रोज सुबह शाम सुबह के टाइम पे अगर योगासन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान धारणा कर लिया तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। इसी तरह से और क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं अगर कोविड का अगर अटैक हो रहा है तो महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, सुशेखर रस, सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, ब्राह्मी, जटामांसी, शंशमनी वटी, फिर उसके बाद में शतावरी, फिर अश्वगंधा, फिर कुष्मांडावले, अगस्त हरित की अवले। स्वर्णकल्प देना है तो इमरजेंसी की कंडीशन में देना है, उसमें त्रैलोक्य चिंतामणि रस, जय मंगल रस, समीर पन्नग रस, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे, जितना हम लोग डिस्कस करेंगे उतना कम ही पड़ेगा। अभी मैं आप सभी लोगों को ना अनम्यूट करता हूँ और आइए हम लोग समाचार शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ सभी लोगों को, एक बार चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। जी हो पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले कौन शुरू करेगा संभाषण, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर सीमा त्रिपाठी जी, हेलो। अगर हाँ आप जी सुन प्रणाम पा सर। रहे हैं तो बताइए आपका तबीयत कैसा है सीमा जी। जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अभी आपका तबीयत एकदम ठीक है जी सर। जी। और आप क्या रसायन खाती हैं सुबह? सर अभी आजकल तो च्यवनप्राश के साथ मैं तापयादि लौ ले रही हूँ, क्योंकि सर थोड़ा सा मुझे रक्त दृष्टि पहले थी तो रस पाचक से स्टार्ट किया था, रक्त पाचक, माँ मंजिष्ठादि काढ़ा, और अभी रसायन काल में सर तापयादि लौ। जी तो उसको खाने से आपको कैसा लग रहा है, फीलिंग कि कैसा लग रहा है? सर अभी तो स्टार्ट किया, लेकिन सर जो मेरे मेरी स्किन में ना सर छोटे छोटे स्पॉट्स थे ऐसे पैरों में, हाथ में, तो वो अभी थोड़े से सर कम लग रहे हैं जी जब से मैंने सर अभी 1 मंथ हुआ है। और सर कल एक जो केस डिस्कस हो रहा था जीर्ण प्रतिशाय का, एलर्जिक राइनाइटिस, ऐसे तो सर मैंने एक एक सर का तो दवाई भेज दिया, जो वो है ना संजय तेहरान जी, उनका जी दवाई आज भेज दिया है, चैलेंज है वो, मैं उनको ठीक कर दूंगा। नहीं सर ऐसे एक हमारे एक भैया भी थे, तो सर उनमें केवल यही था कि वो खाना खा के सो जाते थे, हाँ और सर रात के टाइम दूध जरूर पी के सोना है, रात भर वो एक जग पानी लेके रहते थे, वो रात भर पानी पीते रहते थे उठ उठ के। तो उनको जी सर पिछले 3 साल से वो एलेग्रा खाते ही जा रहे थे, हर दूसरे जी दिन या रोज एलेग्रा खा रहे थे। लेकिन अभी से सर उन्होंने जब से ये हेतु सेवन छोड़ा, मैंने बताया सारा करने को, तो सर उनको अभी 15 दिन पे पिछले 1-1.5 महीने सर कुछ ऐसी रक्त पाचक और महामंजिष्ठादि पंचतीर्थ घृत गुगलू ये लिया उन्होंने, तो अभी 15-20 दिन पे उन्होंने एक एलेग्रा लेनी पड़ रही है पिछले सर 2 महीने से ऐसा है। अभी सर अभी और उनको भी दे रही हूँ, नस्य लगातार अब ले रहे हैं, तो सर उसमें निदान परिवर्जन से उनको काफी लाभ मिल गया। तो वो पेशेंट नहीं कर पा रहे ना निदान परिवर्जन, अगर पेशेंट लोग इतना परहेज पालते ही तो पेशेंट के होते, हमें उनको उस हिसाब से भी मोड़ना पड़ता है धीरे धीरे। निदान परिवर्जन बोलेंगे कि आप दिन में मत सोइए, तो क्या बोले थे कि मुझे सर दर्द हो जाता है, तो धीरे धीरे क्रम क्रम से हमें उनको सीधा करना है। जी जी वो उनका भी ऐसे ही था सर कि वो आते थे अपने ऑफिस से तुरंत खाना खा के दोपहर में फिर लेट जाते थे, 1-1.5 घंटा लेटे रहते थे फिर ऑफिस चले जाते थे, तो जी सर इस वजह से हुआ था। आपने लेकिन बहुत अच्छा बात बताया, बहुत खुशी हुआ कि आपने उनको ठीक कर रही हैं आप। सर आप ही लोगों का सर सुन सुन के सर मुझे तो सर कुछ नहीं ऐसे आता था। थैंक यू सर। और सर थैंक अभी यू। अभी सर एक सर आए थे बीच में सर, उनसे प्रेरित होके सर स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स और श्रुति मैडम से सर पूछ के उनको सर बहुत थैंक यू बोलूंगी। सर मैं भी इस पुष्य नक्षत्र में सर बनाने वाली हूँ। बनाइए ना, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। तो लवकुश जी की मैडम है ना, कविता निगम मैडम जी, अगर आप सुन सकते हैं तो यहाँ आएंगी क्या? ये मैडम आपको थैंक यू बोल रही हैं लवकुश जी को। और एक तिवारी सर सर, मेरी सर श्रुति मैडम से सर बात हुई थी, श्रुति मैडम से सर श्रुति मैडम उनसे तो पता नहीं पूछा कहाँ चली गई, अभी आए भी नहीं रही हैं, पता नहीं सर, कहाँ गई उन्होंने हैं। बहुत बहुत अच्छे से सर मुझे गाइड किया, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है सर।
अब बनाऊंगी तो फिर से। वो पता नहीं कहाँ चली गई श्रुति मैडम। हाँ सर अभी आजकल नहीं आ रही। और कोई नए लोगों को हम बुलाते हैं ना, जो लोग बोलना नहीं बोलना चाहते लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा जी, डॉक्टर श्रुति शर्मा जी, आप लोग आते हैं तो बोला भी करिए ना थोड़ा। डॉक्टर स्वर्णा जी, डॉक्टर उमा जी, हेलो प्रणाम सर, डॉक्टर जरीमा बोल रहा सर। मैं ये कह रही अभी जो ये मैडम बोल रही थी त्रिपाठी मैम, तो मैम ये बताएंगे कि कैसे बनाने को बताया उन्होंने स्वर्ण प्राशन। अब वो वाली मैडम नहीं है तो आप ही बता दीजिए कि कैसे। मैं तो भाई 14 को मैम बनाऊंगी, वही उन्होंने तो आप लाइव दिखाएंगी क्या 14 को 3 दिन सर? सुबह से बनाना, मैम ने बोला है कि करीब उसमें सर 6-8-12 घंटे तक करीब मर्दन करना है, तो हम देखेंगे ना। आप कभी कभी मर्दन करते हुए वीडियो सर, ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगी सर सुबह सुबह सर। बस सर एक धन्यवाद आपसे भी सर पूछूंगी, एक धन्वंतरी जी का एक स्तुति और सर उन्हीं का नाम लेके फिर स्टार्ट करूंगी। हाँ, तो मैं आप दूंगा बता दीजिएगा, मैं दूंगा आपको। सोचा है सर मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करूंगी सर बनाना, तो हम ब्रह्म मुहूर्त के क्लास के बाद आपके पास आ जाएंगे देखने। जी सर, जी सर। मैम मुझे सीखना है प्लीज, हम आपको फोन करें तो बताइए कैसे। तो बस अभी तैयारी की है मैम, बनाया नहीं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। बांसवाड़ा राजस्थान से नवीन उपाध्याय। जी सर बोलिए सर। हम भी 3 चिकित्सक मिलकर के ये पुष्य नक्षत्र पे बनाने का तो आप लोग बनाएंगे हमें बताएगा, हम जूम पे उसको लाइव कर देंगे सर। हम लोग क्यों ना ऐसा करें इकट्ठे, जिनको बनाना है सर उसी दिन सुबह सुबह सब लोग बनाएं, उस दिन स्पेशल सर जो सुबह की हो रहे वो पुष्य, सुबह 5 बजे सर पुष्य नक्षत्र में वीडियो 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 बना करके मैं अपलोड करूंगा सर। वीडियो बनाएंगे या हम जूम पे जो लेक्चर लेते हैं उसमें लाइव कर लेंगे आप वीडियो को लाइव। जी जी कुछ गलत हो रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये आयुष दर्पण पोर्टल की ही अपना एक ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन है और प्रोत्साहन है जो ये डॉक्टर नवीन जोशी सर का है, इसमें सारा जो भी उन्होंने सोचा सब नहीं की। वो तो खैर ये करता करता है, लेकिन आपका डायरेक्शन जो मिल रहा है उससे काफी प्रेरणा मिल रही है सर, और काफी अच्छा काम करने का मन बन रहा है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी बात है हम लोगों की। राम के बिना लक्ष्मण का क्या महत्व, राम जी है नवीन जोशी जी, दोनों जोश आ रहा है सर काम करने का सर, ऐसे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये बताऊं सर कि पूरा दिन आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, बस इसके अलावा कुछ नहीं सूझता है, वही दिमाग में चलता है सर। ये आप दोनों की वजह से हुआ जी, ये सब प्रशंसा नहीं है, ये सब जो मेरा मन की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो डॉक्टर मिनल गुप्ता मैडम है, उनके हस्बैंड का फोन आया था कि आपके वजह से मिनल गुप्ता मैडम जी हैं, उन्होंने चरक लाया और दिन भर चरक ही पढ़ती रहती है आजकल जी। बहुत बढ़िया, और किसी को कुछ बताना है क्या? डॉक्टर निधि अरोरा जी, मैं सबको बुलाता हूँ लेकिन आते ही नहीं है बात करने। डॉक्टर नताशा जी आप आइए जी। आकांक्षा जी बोलिए। सर पोस्ट कोविड पेशेंट्स में किसी में सिर्फ पर्टिकुलर एपिगैस्ट्रिक पॉइंट पे पेन, ऐसे हिस्ट्री काफी पेशेंट्स में मिल रही है, तो इसके बारे में क्या विचार करना है? और अम्लपित्त है क्या सर? अम्लपित्त भी है, सांस की हिस्ट्री नहीं है बट श्वास है पेशेंट्स में, मतलब ऐसे सेम कंप्लेंट्स के 2-3 पेशेंट्स देखे हैं कि श्वास है सांस नहीं है जी। आप नींबू पानी के साथ ये लघु सूर्य चक्र रस दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे। हाँ सर मैंने आपको पूछा भी था तो आपने बताया था, तो कोविड और वासाकल्प यूज करूँ सर? मैंने वासाकल्प बनाया है। वासाकल्प तो बहुत बढ़िया, कैसे बनाया है बताइए सबको, बताइए सर। मैंने वासाकल्प पहले वासा के पत्ते लिए, ठीक है, उसको साफ कर लिए, पानी से धो लिया उसको, उसके बाद फिर उसको, क्योंकि वासा थोड़ा सा कड़क पत्ता होता है इसलिए बिना फुटपाथ के स्वरस अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो इसलिए उसको कुकर में बिना ढक्कन लगाए थोड़ी सी उसको भाप, बिना सीटी लगाए उसको थोड़ी सी भाप दे दी, पत्ते मुलायम हो गए, उसके बाद फिर उसका स्वरस निकाला, उसके बाद स्वरस निकालने के बाद करीबन 2 किलो पत्ते लिए थे तो उसका 1 किलो यानी 1 लीटर तक स्वरस निकला, 1 लीटर स्वरस निकलने के बाद फिर मैंने 2 किलो मतलब 1:2 का रेशियो लिया जाता है अगर स्वरस का अगर स्वरस से कल निर्माण करना है तो, फिर मैंने उसकी 2 पट खड़ी शक्कर ली यानी धागे वाली जो मिश्री होती है, फिर 2 पट खड़ी शक्कर को
मैंने स्वरस में डाल दिया और उसके बाद फिर उसको लगातार उसको चलाते रहे बिंदु पाक होने तक। और जैसे ही बिंदु पाक हुआ फिर उसको बड़ी सी परात में लेकर उसे कंटिन्यू चलाया जब तक उसके ग्रेन्यूल्स फॉर्म नहीं हो गए। और उसके बाद सुबह उसको एक अच्छी सी धूप दिखा दी और उसके बाद से तैयार हो गए। तो सर ये जैसे जो कोगुलोपैथी हो रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में तो उसमें श्वास पास में बहुत बढ़िया दवाई है, आप दीजिए ना सबको। जी सर, तो लघु सूक्ष्मेकर ये और सर कुछ स्वयं तक कुछ पर्टिकुलर। आपको लघु सूक्ष्मेकर पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं सर ऐसी बात नहीं, एक्चुअली पेशेंट क्या होता है ना कि सारे ज्वर की हिस्ट्री ज्वर है नहीं लेकिन और लघु सूक्ष्मेकर ही इतना अच्छा है कि आपको फायदा करेगा। ठीक है सर, क्योंकि वासकल पहले तो मीठा लगता है बाद में कड़वा कड़वा लगने लगता है। हाँ पेशेंट भाग जाएगा। हाँ सर, और उदंबर कल भी बनाया कल मैंने। आप हमें दिखाती भी नहीं है, हमें देखना होता है। सॉरी सर, एक्चुअली तो मैं सुबह वो क्या बोलते हैं मैं सुबह इसलिए लेक्चर में भी तीन दिन नहीं आ पाई, वो तीन दिन से मैं एक दिन दुर्वा कल्प बनाया फिर मैंने वासा कल्प बनाया फिर उदंबर कल्प बनाया तो तीन दिन से इतना थक गई थी। दिखा सकते थे इतना मन करते है कि आप बना। नहीं सर मैं शेयर करती हूँ, एक्चुअली मैं गूगल से मैं शेयर करती हूँ भरती हूँ और व्हाट्सएप पे पहले मैं ज्वाइन होती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे अभी तक ज्वाइन ही नहीं हो पाई हूँ इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं भी पक्का ज्वाइन होती हूँ, व्हाट्सएप करिए मैं आपको गूगल फॉर्म देता हूँ। हाँ सर बिल्कुल, मैं अभी आपको मैम उदंबर कल्प का ही बताइए। पहले उदंबर कल्प का इंडिकेशन बताती हूँ। उदंबर कल्प आप पीसीओडी के पेशेंट्स में यूज कर सकती हैं, आप पीसीओडी के अलावा पीसीओडी विद इनफर्टिलिटी के पेशेंट जहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, ओवम सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं और साथ में हाइड्रोएमनियास में, ठीक है, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है उदंबर कल्प। उदंबर कल्प के लिए आपको पहले उम्र के फल लेने हैं, कच्चे फल लेना है इसका ध्यान रखना है और फलों को छाट लें अच्छे से, ठीक है, और फलों को छाटने के बाद उसको आप फलों को घी में भून लें, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का सा घी में भून लें जब तक फल मुलायम ना हो जाए। उसके बाद उसका कल्प बनाना है और लेकिन इसमें जो रेशियो होगा वो होगा 1:4 का, तो आपको खरी शक्कर उसमें आपको लेनी पड़ेगी 4 पत्त। उसके बाद खरी शक्कर जितना पानी घुल जाए उतने में आपको वो खरी शक्कर उसको घोलनी है, जितना उतना पानी लेना जितने में वो घुल जाए। उसके बाद उसमें कल्क डालना है फलों का और उसके बाद उसको बिंदु परिशक्कर चलाते रहना है और फिर बस ग्रैनुअल जब तक ना बन जाए तब तक कंटिन्यू चलाते रहना है और उसके बाद अच्छे से एक धूप दिखा दे रही हूँ। मैम जल भी लेना है मतलब जब हम पकाएंगे गैस पे पकाना भी है तो जल उतना लेना जितना उसमें बस घुल जाए। हाँ जब आप उस पे खड़ी शक्कर डालेंगे ना तो खड़ी शक्कर में पानी उतना ही रहना चाहिए जितने में वो भीग जाए, उससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए अदरवाइज कल गड़बड़ा जाएगा। ओके हाँ मैं आपको कुछ पिक्स मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं तो उससे थोड़ा अंदाज मिल जाएगा कि किस लेवल तक भूखना है और किस लेवल तक भूखना है। सर बिल्कुल बिल्कुल मैं आज ही आपको शेयर करती हूँ। और ना बिल्कुल आप जो भी बनाती हैं एक तो सर की स्टूडेंट है इतना नॉलेजेबल है तो आप जो भी बनाते हैं हमें बताया करिए ना। सर मैं बिल्कुल बताऊंगी, कैसी स्टूडेंट तो हूँ लेकिन बहुत दिनों से प्रैक्टिस छूट गई थी मेरी मतलब बच्चों के कारण बट अब धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर। कोई बात नहीं, हमें आपसे सब कुछ सीखना है जितना भी आता है। बिल्कुल सर बिल्कुल मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी और आज मैं बिल्कुल आज ही ज्वाइन हो जाती हूँ। जी जी मैम एक बात पूछनी है, आप जो उदंबर कल्प बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ कच्चा फल ही लेना है, अगर पंचांग हाँ। नहीं डाल सकते पंचांग नहीं सिर्फ कच्चा फल लेना है क्योंकि जो पेशेंट्स में जहाँ पे गर्भिणी में जहाँ पे अनुचित फ्लूड कम हो जाता है तो वहाँ पे भी नारियल पानी और उदंबर कल्प का ही उपयोग बताया गया, तो इसलिए उदंबर कल्प पेशेंट कहाँ से तोड़ के लाएगा ऐसे समय पे तो इसलिए पहले से बना के रखते हैं ताकि एट द बेस्ट टाइम पेशेंट्स को यूज हो सके। वो मैम इस समय तो उदंबर का फल मिल नहीं रहा तो क्या आपने पंसारी के यहाँ से लिया है? नहीं नहीं मैम बिल्कुल मिल रहा है, उदंबर की तो बहुत अच्छा, मैंने तो फ्रेश तोड़ के लाई हूँ। फ्रेश तोड़ के लाई है, अच्छा पता करो। बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं इस बार और अब कदम के भी शुरू हो रहे हैं, कदम का भी तेल फूलों का तेल बहुत अच्छा यूज होता है तो कदम के अब फल निकल रहे हैं, उम्र के बहुत अच्छे से कच्चे फल आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे।
ओके ओके थैंक यू, दिखवाती हूँ मैम। ठीक है नहीं मैम, लग रहा है वो दुम्बर पे स्टेम फल लग रहा है, बदन पे भी है, इस टाइम बट पे भी लग रहा है मैम, बट पे भी बहुत अच्छा फल आया है, बट के जो फल चाहिए होते हैं वो भी। जी और किसको कुछ बोलना है तो बता सकता है कुछ अपना एक्सपीरियंसेस। डॉक्टर संजीव जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, आपके दोनों दोस्त आए क्या? अभी लाए नहीं लगते सर, आप उनको लेके आए, तब तक मिनल गुप्ता जी की बात सुन लेते हैं थोड़ा। नहीं सर, वो मैं अपने मदर के बारे में पूछ रहा था। हाँ बताइए आपका क्या केस ना। हाँ जी हाँ जी, तो आप उनको लाइए, तब तक मिनल गुप्ता जी की बात सुन लेते हैं, आप उनको लाइए। वो तो सर अपने आप ही आएंगे, मेरे कहने से तो भी आएंगे, बिजी होंगे ना कहीं पे। नहीं आपकी मदर को लाइए, मदर को। मदर तो मेरे पास ही है सर, वैसे उनका ना ब्लड टेस्ट करवाया आज ही ना। जी तो उनका ब्लड यूरिया 80 आया और सीरम क्रिएटिनिन 1.7 आया। और आप एक बार वीडियो ऑन करिए, हमें देखना है। एक मिनट सर, एक मिनट, होल्ड कीजिए, तब तक मिनल गुप्ता जी की बात सुन लेते हैं ना। सर एक केस है बस मैं आपको बता दूं सर, पोस्ट कोविड पेशेंट है, 31 ईयर। भाई बंद करो भाई। सर 31 ईयर का। हाँ। और सर उसके संग ये प्रॉब्लम है कि वो कोविड के दौरान उनको हवाई बंद करो कोमा में चले गए सर वो। हाँ। कोमा का पेशेंट है सर, इस टाइम पर वो रिकवर होके सब उनकी जो लंग की जो चेस्ट फील्ड है वो सब क्लियर हो चुका है, बट वो कोमा से बाहर नहीं आ पाए। कोमा से बाहर निकलना है तो आप लिखिए, मैं जो जो बता रहा हूँ। एक सेकंड सर, वो मुझसे सर इंसिस्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, मैं तो अभी का मैं आप करिए ना, आप करिए ना, आप लिखिए हेमगर पुट्टली रस। वो आपको पता है डॉक्टर नवजोत जी ने सुबह बताया था, उनके पिताजी कोमा से बाहर आ गए, कितना अच्छा। हाँ, वो सर। हाँ। तो आप लिखिए हेमगर पुट्टली रस। हाँ सर। फिर स्वर्ण सुचेकर। फिर उसके बाद में सहस्त्रपुटी अबरक भस्म। त्रैलोक्य चिंतामणि, जय मंगल रस। ये सबको पीस के और एक एक चुटकी उनको दो दो घंटे पे चटाइए हनी के साथ, फिर देखिए कोमा से बाहर आ जाएंगे। हेमगर पुट्टली जो है ना, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, बहुत अच्छा काम करता है सर। ये सबका अमाउंट सर हमें जैसे लेना है 125 mg, इसका जब भी देना है तो 125 mg ही देना है, एक चुटकी सब लिंगुअली देना है। और सब इनका अमाउंट सबका एक जैसा रखना है क्या सर, जो भस्म है और रस है सर इनका? हाँ, सबको मिक्स करके बना के एक डब्बे में रख लीजिए, पीस के घोट के। हेमगर पुट्टली भी अच्छा काम करता है, मल्ल सिंदूर भी करता है, लेकिन मल्ल सिंदूर थोड़ा स्ट्रांग है, हेमगर पुट्टली से करके देखिए। अच्छा सर, इसमें शिरोधारा या शिरोलिपम का कुछ? वो सब तो बाद में, पहले कोमा से तो बाहर निकलिए बाद में। ओके सर, ठीक है सर। चिंतामणि के बाद जय मंगल रस बताया, पोस्ट कोविड है ना तो फीवर का हिस्ट्री है, तो जो क्रॉनिक जीर्ण जो रहते हैं उसमें जय मंगल रस अच्छा काम करता है। और त्रैलोक्य चिंतामणि एक एक चुटकी सर दो दो घंटे को। हाँ ऐसे ही तो वो नवजोत जी ने दिया था ना, उनके पिताजी तो कितने अच्छे हो गए सर। इसमें यूज कर सकते हैं क्या? अभी अभी नहीं, कोमा में नहीं करना है, कोमा में नहीं, कोमा से बाहर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें बचा का नस्य कैसा रहेगा, जो लोग कोमा में होते हैं तो मैंने वो संज्ञान का है, बचादी तेल का नस्य दे सकते हैं ना, या गोमूत्र। हाँ, बचादी नहीं सर, बचा का धमापन नस्य भी इसमें अच्छा काम करता है, तो जो बचा का पाउडर झटका मार के उठेंगे धमापन नहीं देना चाहिए, दे सकते हैं लेकिन वो तैयारी रखनी चाहिए, पेशेंट को झटके आएंगे। हाँ हाँ वही ना, एक बार नाना जोशी जो थे तो वो बता रहे थे कि जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं उनमें बचा का धमापन नस्य देना तो चाहिए। मैंने तो बोला ना दे सकते हैं लेकिन पेशेंट झटका मार के बाहर आएंगे, तो ये समझ है, घबराना नहीं है मैंने। हाँ हाँ वही, हाँ हाँ नहीं जैसे मैं बता रही थी, मुझे वहाँ गई थी मैं तो बता रहे थे, ये बता रही जी सर। ये कॉम्बिनेशन हम शहद से चिता सकते हैं उनको, शहद के संग हनी, शहद के संग दे दीजिए ना। ठीक है आप इतना करिए, फिर हमें रिजल्ट बताएगा, फिर हम ना मोनिका जी के पास जाएंगे, उनको आज कैसा लगा वो पूछेंगे, पहले हम संजीव जी का केस लेते हैं। डॉक्टर इनका केस कौन लेगा, इनकी माता जी का सबसे इंटेलिजेंट कौन है? हरिओम जी आप केस लेंगे क्या?
संजीव जी आप दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। ओके सर, आपकी माता जी को दिखाइए। नमस्ते सर, मैंने हेडफोन लगाया हुआ एक्चुअली तो उनको। तो हमें कैसे पता चला, हमें उनसे बात करनी है। नहीं, उनको थोड़ा ऊंचा सुन, मैं उनको हेडफोन लगवाता हूँ। आप लगा दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। डॉक्टर अनीता मैडम कहाँ गई? अनीता वशिष्ठ मैडम डॉक्टर, कोई इनका केस लेगा क्या? मोनिका मैडम जी आप लेंगी क्या केस? सर हेडफोन के बगैर आवाज बहुत धीमी आती है, उनको ऊंचा सुनाई देता है। तो उनका वो आया अपना ब्लड यूरिया 80 आया, सीरम क्रिएटिनिन 1.7 और अपना सीरम यूरिक एसिड, यूरिक एसिड है 9.2, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है 37। तो वैसे उनको थोड़े दिन से बीपी की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी और चक्कर आ रहे थे और टांगे उनकी दर्द होती रहती हैं, भूख भी कम लगती है। आपने जो ये करवाया, टेस्ट करवाया, ये बीपी जो उनका ऊपर नीचे हो रहा है उसी को नजर में रख के करवाया या क्यों करवाए थे टेस्ट? ये उसी कारण कराया था ना, कुछ दिनों से उनका बीपी चक्कर आ रहे थे उनको, और ये चक्कर की प्रॉब्लम तो उनको मेन कंप्लेंट चक्कर है। चक्कर मतलब चक्कर? हाँ जी, चक्कर आना उनकी मेन अभी कंप्लेंट जो है, वो चक्कर आते हैं उनको, यही कंप्लेंट है उनकी। चक्कर उनकी प्रॉब्लम ना ये शुरू से, उनको 6 महीने बाद ऐसे ही आते थे, पहले कोई गर्म चीज खाई या कुछ कैसे भी कुछ खाया, तो ये पुरानी प्रॉब्लम है अभी काफी सालों से। उनको 6 महीने बाद कभी ऐसे चक्कर शुरू होते, बैठे बैठे आगे कहते घूम रहा कुछ, कभी 6 महीने कभी साल बाद, तो 3-4-5 दिन रहता है। हाँ पहले से है, लेकिन वो रेगुलर वैसे मतलब ठीक भी रहता है, बीच में रेगुलर काफी देर, रेगुलर तो दवाई नहीं चली, काफी थोड़ी देर ही खाई बीपी की, ठीक हो जाता है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाई, लेकिन अभी भी कभी कभी बढ़ता है जैसे कह लो, लेकिन वो इनकी टांगे वगैरह दर्द, पेन किलर काफी खाए उनके कारण हो सकता हुआ, वो पेन किलर रेगुलर खाते रहते रोज, लेग पेन्स ज्वाइंट पेन्स, तो ये डेली पेन किलर 1-2 खाते रहते थे, तो नींद की भी प्रॉब्लम है, नींद की भी गोली खानी पड़ती है आजकल। 82 इयर्स की एज है ना जी, असली में मेरा लेक्चर था ना, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था उस टाइम, अभी मैं फ्री हूँ। सर इनका भूख वगैरह कैसे लगती है इनको? भूख बहुत कम है मैडम, इनकी भूख बहुत कम है, डाइजेशन इनकी भी काफी क्लियर होती है, मोशन क्लियर होती है, कब्ज तो नहीं है, ठीक आंधी मोशन कभी कभी ठीक, मतलब कभी कभी हो जाती है इनको कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी ना कोई दवाई खा ली, गोलियां खा ली, कोई ये मेडिसिन एंटीबायोटिक्स जैसे कोई खा लिए तब हो जाती कॉन्स्टिपेशन, रूटीन से तो ठीक है, ज्यादा रहती तो उनके पास भेज दीजिए, ज्यादा कोई गोलियां जैसे मेडिसिन खा लेना एंटीबायोटिक्स, अच्छा तब होती है, तब होती है, पेन किलर भी कहते हैं खा लो, मैं ज्यादा छाती में जलन या खट्टी डकार ऐसा कुछ तो नहीं, खट्टे डकार जलन तो नहीं होती, 8-9 वैसे तो नहीं, जलन नहीं क्या, जलन तो नहीं होती वैसे, जलन नहीं, हाँ नहीं वो तो वैसे कम ही है इनकी, लेकिन डाइजेशन तो बहुत वीक है, वैसे वीक है, खाते कम ही है सारा दिन में, 2-3 फुलके ही खाते हैं, बस फ्रूट फ्रूट खा लिए, पेट में ऐसे अफारा जैसा ब्लोटिंग जैसा तो नहीं होता है? वो तो पेट अफारा होया रहता पेट च, गैस गुस भारी पन निकल, वो थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं। किसी को क्वेश्चन पूछना है ना, केस टेकिंग, यूरिन का आउटपुट कैसे है? यूरिन का आउटपुट ठीक है अभी तो, एडिक्वेट जितना पानी पीते हैं उतना जा सकते हैं या उससे कम होता है? पेशाब काफी आ जाता है कि थोड़ा, मतलब कि ठीक ही आना था, ज्यादा कुछ उतार पर नहीं आता, और भी नहीं आता, कोई भी नहीं, कट भी नहीं आता, ठीक आ जाता, ठीक ही कहते आता, बहुत ज्यादा भी नहीं आता और कम भी नहीं आता। पानी पीते पानी कितना पी लेते हैं पूरे दिन में? गर्मियों में ज्यादा पीते हैं, सर्दियों में नहीं पीते, 2 लीटर पी लेते होंगे
दिन में, गर्मियों में बाकी चाय कॉफी दूध हो गया मतलब शिकंजवी वगैरह हो गई वो पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत कम पीते हैं पानी। ओके, और इनका स्लीप वगैरह पैटर्न, वो आप कह रहे हो स्लीप इनकी कम है, तो ये भी क्या दिन में सोते हैं? ये तो बस 82 ईयर की है, सारा दिन लेट मतलब काम किया तो लेट गए, काम किया लेट गए, रात को नींद आती नहीं है, दिन में भी लेटते ही रहते हैं बस, मतलब जब काम कर लिया अपना खाना खुना बनाया जितना फ्री हुए था फिर लेट के, एज ही है ना, एज फैक्टर का बंदा और करे गया, वीकनेस काफी महसूस करते रहते हैं वो तो काफी देर से ही है, और लेग पेन होती रहती है इसलिए पेन किलर खाते रहते थे, मुझे कह रहे उसका साइड इफेक्ट हुआ शायद जो ब्लड यूरिया बढ़ गया। पैरों पर स्वेलिंग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इस टाइम नहीं है स्वेलिंग नहीं है। और आंखों के चारों तरफ कोई स्वेलिंग है? कभी भी नहीं हुई सुबह के टाइम पे? नहीं नहीं वो नहीं अभी इफेक्ट हुआ ज्यादा कोई खास। कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? हेलो, उनका ब्लड प्रेशर हमें अच्छे, उनका ब्लड प्रेशर आपको जब से पता चला है तब आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कराया था, उनका लिपिड प्रोफाइल कराया था? हाँ जी हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप में डाला भी है, लिपिड भी उनका कुछ ज्यादा नहीं है, एलएफटी 200 है शायद, एलएफटी और एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, हाँ टीजी, टीजी तो है 200 समथिंग, अभी मैंने अभी व्हाट्सएप पे डाला, तो हाँ ये सारी चीजें उनकी हायर लेवल पे है, बराबर है, टीजी थोड़ा सा ज्यादा, बाकी एलएफटी ओटीपीटी सारा कुछ ठीक है सर, वो काफी दिनों से एचडीएल, एक मिनट एचडीएल क्या है मैं बता देख के बताता हूँ, उनका एलडीएल है 121, हाँ जी नॉर्मल रेंज है लेस देन 100, लेस देन 100, और वीएलडीएल है 43, 30 की रेंज है 0 to 30, एचडीएल 164, वो तो ठीक है, एचडीएल एक HDL है 36, 40 to 70, 40 to 60 चाहिए, 36 है ना, 164 कहते हैं भाई मुझे लगा कि तो बहुत, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कोलेस्ट्रॉल HDL 36 है, वो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल है 164, HDL तो 36 है, 40 to 60 चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड 216, हाँ जी टोटल कोलेस्ट्रॉल 200, वो तो 200, सर सारी चीजें हायर लिमिट पे हैं इनकी, और ये काफी दिनों से 216 हाँ, तो इनका बीपी हमेशा हायर लेवल रहा है जिसके लिए इन्होंने कभी दवाइयां ली है कभी नहीं ली है, बराबर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एलोपैथिक उन्होंने काफी दिनों से पेन किलर भी सर, इनका शायद शुरुआत है ना अग्नि मांदस्य या डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी डिसऑर्डर से शुरू हुआ होगा, जिसकी वजह से अपाचित मेद और वात प्रकोप की वजह से इनके संधि शूल सर्वांग शूल और शोथ ऐसा कुछ ना कुछ लक्षण रहा होगा जो पेन किलर खाने के बाद में टेम्पररी ठीक होता होगा, फिर वो हाइपरटेंसिव हुई होगी, और फिर आज वो जो सीकेडी में है वो दोनों भी चीजें संप्राप्ति अपने इसे लगा लेंगे हर एक लक्षण को, तो अभी तो प्रेजेंटेशन उनका सीकेडी ही है। कटोरी नहीं क्या, कैसे खाते तुम लोग बिना कटोरी के, हाँ गंदे तरीके से एकदम। हेलो, हाँ सर, उनकी ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक अपने अभी शुरू करना है, इससे पहले कुछ दिया है उनको, बस्ती दिया है या वमन या विरेचन ऐसे? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो कर भी नहीं सकते ऐसी एज में, नहीं, हाँ, अभी नहीं सर, अभी नहीं उनका कुछ यंग, सर ये आज की हिस्ट्री नहीं है, अगर आज पेशेंट सीकेडी जस्ट स्टार्टअप है आप इसको रिवर्सल में ले सकते हैं, अगर आपने जैसे हमारा दीपन पाचन और स्रोत शुद्धि है वैसे अगर करते पहले गए होते तो ये शायद ये कंडीशन यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि आपने पेन किलर उनको दिया है तो इसका मतलब वात प्रकोप भी कंट्रोल में नहीं है और अग्नि मानदे भी उनका दूर नहीं हुआ है, आज भी अपाचित मेद उनके से और वृक्क मूल स्थान है मेद, जब मेद दृष्टि है तो आपको वृक्क दृष्टि और मेद दृष्टि ये दोनों लक्षण जो भी दिख रहे हैं, लेकिन जिसे बोलते कि 80 प्लस है तो इसका मतलब उनमें वो जो आप बोल रहे कंटिन्यूस गिडीनेस, वो गिडीनेस नहीं
रस और रक्त ये दोनों दृष्टि जब बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है तो या तो पांडु होगा या फिर अपाचित मेंद और इन सब की चीज की वजह से आपका जो भी स्रोतस है वहां की इन ऑल जो भी भाव पदार्थ है उन भाव पदार्थ को अगर कोई भी अटका पाता है परिणमन प्रॉपर नहीं होता है तो आपको एक गिडीनेस एक वीकनेस और हमेशा आलस्य ये सारी चीजें पहले नजर आती है फिर उसके बाद में हाँ जी, हाँ जी। है। तो सिस्टमेटिकली अपने को हाँ जी तो बस उनके ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह मैं एक बार आपने शायद ग्रुप में डाला मैं अभी हाँ जी, ग्रुप में डाला। तो मैं देख लेती हूँ फिर बाकी या किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। हरिओम जी डॉक्टर हरिओम सर आप नहा लिए क्या डॉक्टर हरिओम जी? सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ सर 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर गुप्ता जी अखिलेश गुप्ता जी ठीक है हरिओम जी डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी इसमें कुछ चिकित्सा आप बता सकते हैं? गुरुजी नमस्कार नमस्कार सर दालचीनी और लौकी का जूस बेनिफिट करता है दालचीनी लौकी का जूस करेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि अखिलेश गुप्ता जी कुछ बताएं ऐसे केस ओके में डॉक्टर अखिलेश गुप्ता कुछ बताएंगे आप ऐड करूं सर मैं ऐड करूं अगर इसने अभी गुप्ता जी अगर इसने माइल्ड विरेचन करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा इसने पान करा के और सर अगर एरेंड इसने से वो करा दिया जाए तो सर इनका बीपी भी कुछ नॉर्मल होगा और विरेचन कराने के बाद या पहले सर दीपन पाचन दे दिया जाए और फिर इसके बाद इनको विरेचन करा दिया जाए तो सर कुछ रिलीफ इनको मिल सकता है इसके बाद इनकी मेडिसिन चलाई जाए थोड़ा शोधन हो जाएगा एरेंट से ज्यादा होगा भी नहीं सर 10 ml सुबह 10 ml शाम इन्हें वासा घृत दिया जाए और उसके बाद जो है या महातिक घृत भी दे सकते हैं और उसके बाद जो है 5 days तक दें ऐसे और 6th day को एरेंट इसने उन्हें दे दिया जाए 30 ml केवल तो मोशन भी उन्हें बहुत ज्यादा नहीं होंगे माइल्ड उससे उन्हें हाइपरटेंशन में भी आराम मिलेगा और अगर उनका हीमोग्लोबिन ठीक है सर तो फिर उसमें एक रक्त मोक्षण भी किया जा सकता है। सर ये मैं नोट करूं ये वाला चीज गुरुजी सादर प्रणाम आप करिए ना एक हाँ प्रणाम बताइए सर मैं अपनी तरफ से एक सुझाव इसमें लास्ट में स्पाइनल हेलो जी बताइए सर हेलो हाँ जी ठीक है सबसे पहले तो हाँ, मैं कहूंगा कि हाँ जी ये जैसा कहा है आदरणीय वैद्य जी ने तो मैं इसमें त्रिफला गूगल की एक गोली भोजन करने के बाद रात्रि में सोने से पहले अगर ले सकें तो वो बहुत अच्छा है वो बहुत हल्का सा लेक्सेटिव है वो प्रतिदिन रात को ले लें। अब कितनी गोली सर शेखर रस एक गोली त्रिफला गूगल 250 mg की प्रतिदिन ले लें रात को सोने समय ओके त्रिफला जो है वो त्रिदोष शामक है और हल्का सा लेक्सेटिव रहेगा और ये बहुत अच्छा काम करता है और ये शुदा आंतर के अंदर जो सेपरेशन का काम करता है सेग्रीगेशन का जो काम करता है और जो सार और किट को जो विभाजन के लिए बहुत अच्छा लाभकारी है और सीकेडी और यूरिनरी सिस्टम में भी बहुत बढ़िया काम करता है। रात्रि में सोने से पहले एक त्रिफला गूगल 250 mg दो भी दे सकते हैं अगर क्रूर कोष्ठी है तो 250 mg की दो गोलियां भी सक्सेसफुल रहेंगी। दूसरा सुबह उठ करके सुबह अर्ली मॉर्निंग में दो गोली चंद्र प्रभावती यूरिनरी सिस्टम के लिए और बहुत अच्छी लाभकारी है और भोजन से ठीक पहले भोजन के शुरुआत में सूत शेखर रस 250 mg की एक गोली 125 mg सर सुबह खाली पेट सुबह खाली पेट लेनी चाहिए चंद्र प्रभावती
हाँ एम्प्टी स्टमक सर, दो गोली खाली पेट सुबह सुबह, चंद्र प्रभावती दो गोली सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद जब सुबह भोजन करें तो पित्त शमन के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए और हाइपरटेंशन के लिए और अच्छा पित्त स्राव बने उसके लिए रहेगा सूत शेखर रस 250 mg से 500 mg। हाँ जी वो कितनी टेबलेट? एक टेबलेट से दो टेबलेट सूत शेखर रस या 500 mg मैक्सिमम डोज रहेगा। भोजन के शुरुआत में देवें तो बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। और खा के फिर उसी टाइम भोजन कर ले सर? पहले कौर के साथ ले ले। ओके पहले कौर के साथ ले ले में तो वो लाभकारी रहेगा। दूसरा उसमें आप भोजन के बीच में आम पाचन के लिए अष्टचूर्ण इस्तेमाल कर सकते हो, एक से दो चुटकी सब्जी में मिला करके या दाल में मिला करके जैसे भी वो खाना चाहें। अष्टचूर्ण जिसमें काली मिर्च जीरा वगैरह है अष्टचूर्ण के नाम से है, या हिंगवा अष्टचूर्ण आप दे सकते हो भोजन में मिक्स करके 125 mg। हाँ जी भोजन दाल सब्जी में मिक्स करके दे देवे, ये दीपन पाचन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी हिंगवाष्टक या अष्टचूर्ण। हिंगवाष्टक कितना देना सर? बेटर कौन सा सर, हिंगवाष्टक या अष्टचूर्ण? दोनों का नाम एक जैसा ही है, कंटेंट सेम है। सेम है ओके सर। हिंगवाष्टक चूर्ण कितना देना सर? सिर्फ नाम का परिवर्तन है, एक कंपनी ने दूसरा नाम रख दिया, दूसरा नाम रख दिया। कितना कितना देना सर? 125 mg से 250 mg तक दे दे। टीस्पून तो 1/4 से 1/4 1/5 1/4 1/5 अंदाजा 1/5 टीस्पून। हां कितनी बार देना सर ये? हर बार, दो बार भोजन करते हैं तो दोनों बार दे। ये इसमें सब्जी में मिला लें सर? सब्जी में मिला लें जी। ओके और आरोग्य वर्धनी रसवटी जिसके अंदर अबरक भस्म लौ भस्म ताम्र भस्म और त्रिफला और नीम के स्वरस की भावना है, यह आरोग्य वर्धनी की गोली 125 mg/2 दो टेबलेट्स 250 mg आरोग्य वर्धनी रसवटी ये जरूर देवें। दो दिन में दो बार वर्धनी वटी, आरोग्य वर्धनी रसवटी। रसवटी लग गया सर कल वटी? एक तो वटी हो जिसमें कंटेंट्स में अबरक भस्म लोह भस्म ताम्र भस्म त्रिफला okay. और नीम की भावना है, वो वाली टेबलेट दे। ओके कंटेंट्स बता रहा हूँ। तो ये लोह भस्म ये कितने एमजी? 125 mg की दो दो गोली देनी है। हाँ ये कितनी बार सर? भोजन में दो बार दिन में, दो टेबलेट सुबह दो शाम को। हाँ भोजन के बाद 2 tablets BD after meals। जी हाँ ओके सर। और गोक्षुरादि गुग्गल, गोक्षुरादि गुग्गल 2 tablets BD 2 tablets BD ये भी after meals? हाँ जी after meals। एक्चुअली दवाइयां खाते कम है, घबरा जाते भी, ये घबराहट करती है, चक्कर आते हैं। ये किसी से होएगा तो नहीं कोई घबराहट वगैरह कुछ? नहीं कोई घबराहट नहीं होगी क्योंकि आरोग्य वर्धनी वटी में अबरक भस्म है और ये शूत शेखर रस जो है इंसोम्निया हाइपरटेंशन दिल घबराना जी घबराना ब्लड प्रेशर और एसिडिटी इन सबको रेगुलेट करेगा। और आरोग्य वर्धनी वटी पाचन करते हुए जो सिम्टम्स माता जी के बताए गए हैं उन सब में यह औषधियां यह सब लाभकारी हैं। और भी बहुत कुछ इसमें ऐड हो सकता है पर ये अगर 15 दिन के लिए शुरुआत में देवें तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, ऐसा मुझे गुरुजी ने सिखाया है। ठीक है सर। सर इसमें ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन इससे नॉर्मल आएगा आ जाएगा? चंद्र प्रभावती ले रहे हैं ना आप और गोक्षुरादि गुग्गल दोनों करेंगे ना? दोनों करेंगे हाँ क्यों नहीं करेंगे। ओके सर एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाह रही हूँ सर, आपने जो अष्टक चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण जो मिलवाया है तो इसमें नमक का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो इनकी नहीं, माता नहीं, जी को हाई बीपी है ना? अष्टचूर्ण में 1/10 रहता है नमक का कंटेंट। नहीं सर हिंगवाष्टक में तो काफी रहता है ना, तो वो अष्टचूर्ण ले लीजिए कृपया करके।
अष्टचूर्ण नमक का अष्टचूर्ण में जो है वैद्य रत्न बनाती है उसमें नमक का कंटेंट बहुत कम है। ओके सर, अष्टचूर्ण सर में ज्यादा रहता है ना, लवण भास्कर में ज्यादा नमक रहता है, उसमें 80% रहता है नमक। हिंगवाष्टक में भी नमक कम रहता है क्योंकि कंटेंट तो फॉर्मुलेशन सेम है ना। जी जी, और नमक तो है ना वो लघुता देगा, दीपन पाचन करेगा, वो लाभकारी करेगा। इतना नमक तो जरूरी भी है, सब्जी में भी तो डालते होंगे ना नमक। हाँ जी हाँ जी, सेंधा नमक लेते हैं सर आजकल। हाँ तो सेंधा नमक बंद किया का ही कंटेंट है इसमें, सेंधा नमक, काला नमक, जीरा, इस तरह की औषधियां ही बताई गई हैं। वो एक चुटकी दो चुटकी डाल रहे हैं ना आप। हाँ जी हाँ जी, मैंने कंटेंट क्वांटिटी देखी ना, मात्रा देखी, मात्रा मैंने बहुत थोड़ी बताई है। अष्टचूर्ण बहुत अच्छा लाभ करता है। हाँ जी, मात्रा 1/5 टीस्पून। हाँ तो वो 125 mg से 250 mg मात्रा है, वो सब्जी दाल में मिला के लेंगे तो बड़ा अच्छा लाभ करेगा। ओके सर, गुरु जी से मैं पूछना चाहूंगा ये ठीक पता है मैंने कुछ इस बराबर बराबर बहुत बढ़िया बताया सर। कुछ ऐड तो नहीं करना आपने? मैं ऐड करूंगा लेकिन मैं पहले और लोगों का भी तो संभाषण में तो सबको चांस मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सर जी, मुझे मुझे एक बात और कहनी है तो कैसे होगा सबको। गुरु जी मुझे एक बात और कहनी है आपसे। हाँ गुरु जी, जब भी आप फेसबुक पर लाइव औषधि के बारे में जब भी चर्चा करते हैं जी, मैं एक तरह से मेरे मुझ पर जादू हो जाता है। इतना विस्तृत रूप से आप बताते हैं ना, मैं खो जाता हूँ आपकी वाणी में। साक्षात सरस्वती माता की तरह से आप बोलते हैं और हर बीमारी को उसके साथ जोड़ करके और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कंटेंट क्या है, मेरे दिमाग पे ना लेखन कार्य हो जाता है, बिल्कुल छप जाता है, एकदम टाइपिंग की तरह से लिखा जाता है। और बहुत अच्छे, मैं उसको कभी भुला नहीं पाता हूँ। पहले तो मुझे कॉपी लेके लिखना पड़ता था, अभी तो एकदम से दिमाग में लेखन कार्य की तरह से खुद जाता है और बहुत अच्छे से आप बोलते हैं। मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। मेरे लिए तो मैं ऐसे ही नहीं आता, मैं मेरी तैयारी रहती है, मैं उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। हाँ गुरु जी, मुझे मालूम है आप बहुत तैयारी करते हैं तभी बोलते हैं। मेहनत रहती है उसमें, बहुत ज्यादा मेहनत। हाँ बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा मैंने कभी, जिस ढंग से आप पढ़ाते हैं, जिस ढंग से आप समझाते हैं, मैं तो उस लेवल का मुझे कमी मिला है। मेरे को अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको सुन पाता हूँ। आपको प्रणाम है, सादर प्रणाम। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, एक मेडिसिन पे एक घंटा बोलना आसान बात नहीं होती है। बहुत बहुत अभिनंदन आपको सर। और मुझे तो ऐसा, मुझ पे जादू हो जाता है कि आप उस औषधि को ऐसा वर्णित करते हैं, ऐसा व्याख्यान देते हैं कि वो सब रोगों को कवर कर लेती है, सब लोगों को ठीक कर देती है। इस ढंग से आप व्याख्यान देते हैं गुरु जी। मेरी मेहनत रहती है उसमें, इतना मैं पढ़ के समझ के फिर बताता हूँ। और हर हर औषधि का, हर रेफरेंस बुक के साथ, हर शास्त्र का उसके साथ आप उल्लेख करते हैं, कंटेंट्स को बताते हैं, कितना कंटेंट डाला है, क्यों डाला है, कैसे उसका। मेरे को तो जन्मदग्नि सर के अलावा कोई भी नहीं बताता था। मैं इतना पागल था कि मुझे कोई सिखाए कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है, तो कोई भी नहीं, सब छुपा छुपा के रखते थे। एक तो सर के क्लिनिक में जाता था, वो कास्टिज्म बोध करते थे अपना कि हम कोकनस ब्राह्मण को, तो वो कोड में बोलते थे आरोग्य वर्धिनी को नागार्जुनी। फिर ऐसे ना कोड में बात करते थे अपने स्टूडेंट से, फेवरेट स्टूडेंट से, बताते ही नहीं थे। मैंने एक एक गुरु के पास ना 1.5 साल केवल पुड़िया बांधी। मैं वो बोलते थे ये डाल दो वो डाल दो, लेकिन पता नहीं चला कि वो क्या चिकित्सा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सिखाते ही नहीं थे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, तो मैंने कसम खाई कि मैं सिखाऊंगा सबको जब मैं उस लायक बन जाऊंगा। शत नमन आदरणीय गुरु जी, हम तो आपसे, आपने हम लोगों के अंदर ना क्रांति की ज्वाला भर दी है। आपकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे गुरु जी। हम आपको वचन देते हैं कि हम आयुर्वेद को बढ़ाएंगे और अपने आने वाले शिष्यों को भी हम आपके जैसे ही सिखाएंगे। हाँ ना, सिखाना जरूरी है, लोग सिखाते ही नहीं है, छुपा छुपा के। मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बोलिए ना। सर मैंने भी गुरु के पास जाके थोड़ा बहुत ज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन आपके जैसे ही, और जब भी मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो पेशेंट ने ही सिखाया, लेकिन उसमें कुछ तो कमी थी। लेकिन जब से आपका लेक्चर सुनी मैं, तो मुझे मुझे 2 महीने तो इसमें ही गए। अभी आपको भी मालूम है कि आपके कोई लेक्चर आपकी परमिशन से जो पब्लिश करते थे, तो मुझे समझने में 2 महीने गए कि आपको मिलने के लिए क्या करना चाहिए। मैं उन वैद्य साहब का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप समझ गए होंगे, मेरे 2 महीने इसमें ही गए कि मैं
कैसे आपसे जुड़ू। फिर एक बार मैंने उसका स्टडी किया, फिर मुझे समझ में आया कि आयुष दर्पण का मंच है, और फिर मैंने आपको फोन किया और फिर नवीन जोशी से कांटेक्ट करके मैं इसमें आई। लेकिन सर मुझे तो संजीवनी मिल गई आपके आयुष दर्पण से और आपके सभी लेक्चर से, जो मेरी ख्वाहिश थी। कभी मैंने सपने में सोचा था कि कोई इतना अच्छा हमें पढ़ाए एक द्रव्य को लेके, उसके कंटेंट में, उसके सभी गुणधर्मों को, कोई भी व्याधि हो, कोई भी चीज हो आयुर्वेद की, तो उसको इतना विस्तार पूर्वक कोई बताए, ये तो मेरे कभी सपने में भी नहीं था। लेकिन मैं तो धन्य हो गई सर आपके सभी लोगों से मिलके, और सभी जो वैद्यगण है सभी बहुत अच्छे हैं, और आयुष दर्पण का जो मंच है ना, उसने हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन कर दिया, और आयुर्वेद को सीखने की और उसके सभी बातों को अपने अंदर समाने की एक बहुत प्रबल इच्छा उसमें डाल दी सर आप लोगों ने। तो मैं तो आपको आपके ऋण में ही रहना पसंद करूंगी, और आपके ऋण तो इतने हैं। मैं नवीन जोशी सर को भी बोली एक बार कि आपने तो हमारी पूरी जिंदगी बदल दी सर, तो ये तो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो गया लाइफ का सर। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। सर मैं एक बोलती हूँ सर, सर हम रियल आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं सर। थैंक यू जी। मैं सेकंड बीएमएस में था, ये बात है 1999 की। तो पुणे के एक बहुत बड़े वैद्य थे, मतलब अभी तो नहीं है, तो वो इतने फेमस थे ना कि क्या बताएं। तो ना मेरे को उनसे सीखना था, क्योंकि मेरे को ऐसा बताया गया था कि वो बहुत ज्ञानी है, चरक संहिता के पूरा उनको याद है सब। तो मैं उनके पास सेकंड ईयर में गया, तो उन्होंने मुझे भगा दिया कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं सिखा सकता, और तुम थर्ड ईयर में आओ। मैं थर्ड ईयर में गया तो वो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं सिखा सकता, तुम इंटर्नशिप में आओ। तो मैंने कहा कि सर इंटर्नशिप में तो मैं सीखूंगा, आप कुछ तो सिखाइए, कुछ तो बताइए। तो मैं गया, मैं उधर बैठा रहा, तो वो सर आए, गुस्से में आए, उनके पेशेंट इतने फुल भरे थे, उन्होंने मुझे ऐसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया मुझे। तो मुझे इतना रोना आया ना, सारस बाग यहाँ पुणे में है, वहां जाके मैं रोते रहा, इतना डिप्रेशन हो गया कि इतने बड़े सर ने मुझे धक्के मार के निकाला। और मतलब उनको जाति का बहुत घमंड था, ब्राह्मणत्व का घमंड था। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे तो सीखना है, बस मुझे सीखना है। और मुझे जमद अग्नि सर मिले, लेकिन मैं जमद अग्नि सर का जो है ना फर्स्ट ईयर से जाता था, लेकिन मुझे सर का मराठी नहीं समझ आता था। लेकिन मैंने जमद अग्नि सर का बहुत अब सोच लिया कि अब मुझे अपने को बढ़ाना है, और मैं जमद अग्नि सर जैसा सबको सिखाऊंगा, जाति पाति कुछ नहीं करूंगा, सबको सिखाऊंगा, कुछ ये नहीं दूंगा रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, सबको सिखाऊंगा। तो मैंने तब से देखे, आज मैं इतना मेहनत करके वो लेवल पे आ गया हूँ कि मैं सबको सब कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो वो है, लेकिन मेरे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, ऐसा ही नहीं है। यहाँ पे मैं जब था ना, इतना कास्टिज्म था ना, मतलब ये बहुत बुराई था आयुर्वेद में कि ब्राह्मण लोग ना सिखाते नहीं थे दूसरी जातियों को, और सच में ये हो रहा था जी। सर एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा जी जी। जिन पर किन्हीं वैद्यगणों का ध्यान गया या नहीं, सारे लोग अवलोकन करें। आप जब सर बोलते हैं इतने ज्ञान की बात और इतनी मासूमियत से बोलते हैं, ये एक अलग प्रकार, अपने आप में अलग प्रकार है सर। ऐसा कोई गुरुजन इस तरह से शायद ही दुनिया में कोई बताते होंगे जी। कितनी मासूमियत है आपके वाणी में। मेरे कॉलेज के एक सर है, वो ब्राह्मण है, मैं नाम नहीं बता सकता, उनको मेरे से इतना चिढ़ मचता था। मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, मैं बस कॉलेज जाता था आता था, कॉलेज जाता था आता था। तो ना मेरे क्लास की लड़कियों ने मेरा शिकायत किया कि ना हमसे बात नहीं करता। तो वो सर को मेरे से बहुत कि ये बहुत ज्यादा ब्राह्मणत्व तो दिखाता है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट रोज बोलना शुरू कर दिया कि तुमने बीएमएस का एक सीट खराब किया है, बीएमएस का सीट खराब किया है, तुमको कुछ नहीं आएगा। और आज वो बोलते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ऐसे बोलते है। आपकी तपस्या सर सफलीभूत हुई जी। गुरुदेव सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ सर बोलिए। पर मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं ये डॉक्टर राजकुमार धवन और संजीव त्रेन जी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम आपके दर्शनार्थ पुणे आएंगे सर। आइए आइए, बहुत बढ़िया सर। मेरा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, 3 मंजिला, आपके लिए सब खुला है, आप आइए, पेशेंट देखिए यहीं पे। आप जब पढ़ाते है ना, तो मन करता है ये वाला जो योग है वो तो ला के इसको आज से यूज करना शुरू कर दे। जी जी बहुत अच्छा लगता है आप जब पढ़ाते हैं जी। डॉक्टर धवन भी मेरे साथ ही बैठे हैं जी।
जी संजीव जी आप अनम्यूट करिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? संजीव जी अनम्यूट करिए। ओके ओके सर जी। मैंने कहा सर डॉक्टर राजकुमार धवन और इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, और डॉक्टर ग्रोवर ने जी आपका ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है तब से सर जी। अभी आप चिकित्सा कोई बताएगा इनका, इनकी माताजी का कोई चिकित्सा बताना चाहता है क्या सर? एक बात मैं भी शेयर कर दूं? हाँ बताइए सर। अपने लाइफ की। हाँ जी सर, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मैं भी चाहता था कोई आयुर्वेद का मुझे सिखाए। कॉलेज में पढ़ के कुछ नहीं बल्ले पड़ रहा था, आई वॉज जीरो जी। सर पास होने के लिए पढ़ते थे, रटते थे, समझ ही नहीं आता था। कॉलेज में सर हमें पढ़ाने वाले बीएमएस डॉक्टर थे। हाँ जी, मतलब संस्कृत समझ नहीं आती थी अच्छे से जी। फिर धीरे धीरे करने के बाद में मेरी इच्छा हुई किसी वैद्य के पास जाऊं। तो हमारे सरायकाले में हमें दिल्ली में जो थे डॉक्टर बृहस्पति थे त्रुण, वैद्य थे बृहस्पति त्रुण, नाम सुना होगा आपने सबने। अब वो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे हैं अभी, वो प्रैक्टिस करते, पद्मश्री मिला हुआ था उनको। तो मैं उनके यहाँ गया, 15 दिन मैं रोज बाहर जाके बैठता था कि इनसे मिलूं मिलूं मिलूं। और मैं जाके एक दिन मुझे मिला उनसे, तो बड़े गुस्से वाले थे वो। तो मैंने कहा जी मैं सीखना चाहता हूँ, आयुर्वेद सीखना चाहता हूँ आपके यहाँ रह करके। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, तुम बाद में आना। मैं ऐसे कई बार गया सर, मुझे नहीं सिखाया। फिर मैंने एक नर्सिंग होम ज्वाइन कर लिया एलोपैथी का, तो मैं वहां जाने लगा। तो वहां के जो मालिक थे, एक दिन मुझे कभी कहते हैं ये सामने से पेप्सी पकड़ लाओ, कभी कहते हैं पेशेंट के वहां तकिया रखाओ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। एक दिन मैंने मना कर दिया उनको। तो उस दिन उन्होंने मुझे कमेंट दिया कि जा तू कभी कामयाब नहीं होगा जी। मैंने उस दिन से मन में सोच लिया कि मुझे आयुर्वेद ही पढ़ना, आयुर्वेद में कामयाब होना। तो ईश्वर की कृपा से फिर मैं 2002 में मेरे को एक पेशेंट मिला रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जी। मैंने वो किताबें पढ़ के उसको ठीक किया, और उसके बाद से मैं खुद ही आयुर्वेद पढ़ने लगा और पेशेंट ही मुझे सिखाने लगे। किताबें पढ़ पढ़ के मैंने फिर अपने आप को तैयार किया, और ईश्वर की कृपा से अब मैं काफी अच्छी मेरी प्रैक्टिस है, ऑल ओवर इंडिया मेरे पेशेंट, और 100% मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता हूँ। पर इतना भी रिजिड नहीं हूँ कि कई चीजें कई बार अवेलेबल नहीं होती हमारे पास, मेडिसिन नहीं होती है, कुछ चीजें नहीं होती है। तो एलोपैथी मतलब अपने पास से मैं नहीं देता हूँ एलोपैथी, तो एलोपैथी डॉक्टर के पास में भेज देता हूँ। और अभी मैं जब कोविड काल में, जब मैं कोविड से सफर हुआ तब मुझे आयुष दर्पण के बारे में पता लगा जी। तो मैंने कोई फार्मेसिस्ट है उनसे नंबर लिया, नवीन जोशी सर का जी। नवीन जोशी जी को मैंने फोन किया, उन्होंने मुझे गूगल फॉर्म वगैरह जो बताया, उस दिन से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ। और आपसे पढ़ के, आप मेरे से आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में आप मुझसे बहुत ज्यादा हैं। उस दिन से मन में लगा यार ये लोग आयुर्वेद को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कितना भी बिजी रहता हूँ बीमारी के बाद भी, मैंने 2-3 दिन से क्लिनिक पे बैठना शुरू किया थोड़ी देर के लिए, तो आप लोगों का लेक्चर ही रहता मन में कि भाई यार डॉक्टर अरविंद कब आएंगे। मैं कई बार मॉर्निंग में थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है, नहीं अभी उठ पाता हूँ उस टाइम पे, क्यों रात को कई बार नींद नहीं आती है अभी कोविड के बाद। पर आप लोगों से जुड़ के इतना अच्छा लग रहा है कि वास्तव में यार मुझे 55 वर्ष की आयु में मैं को डिस्कशन कर पा रहा हूँ, अपने मन की बात कहीं रख पाता हूँ, किसी की बात में सुन पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप इस बात के लिए, ये जो प्लेटफॉर्म आपने चालू किया हुआ है, शुरू किया हुआ है, आयुर्वेद को इतना प्रमोट कर रहे हैं, नए नए विद्यार्थी आपके साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, शायद उनके जीवन में ये आपके लेक्चर सर ये बहुत ही बहुत उपयोगी होंगे। और मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को कभी बंद नहीं करना, कोई आपस में आपकी कहीं किसी से बात भी हो जाए, लेकिन जो ज्ञान देने का आपने कार्यक्रम शुरू किया है इसको सतत ये चलता रहना चाहिए। मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है। मैं तो एक बार बताऊंगा, पुणे में एक और वैद्य है, बहुत नाम है उनका, पूरे वर्ल्ड में नाम है उनके पास। जब जाते हैं ना बच्चे तो वो पूरा मसाज करवाते हैं अपना, मतलब गुरु का जो सेवा ज्यादा करवाते हैं, ज्ञान जीरो देते हैं। तो ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमें जिनके पास बहुत ज्यादा घमंड है, मतलब अहंकार है कि हम जाति से बहुत श्रेष्ठ हैं और हमको नॉलेज है। वो लोग ना मिसयूज करते हैं, पूड़ी बनवाते हैं, मसाज करवाते हैं, टंकी साफ करवाते हैं, पोछा लगाते हैं। सर मैं पुणे से ही हूँ। हेलो जी। सर मैं डॉक्टर मनीषा चौहान बात कर रही हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैंने आयुष दर्पण का जब स्टार्ट हुआ, मेरा एमडी हुआ है, एमडी के बाद भी हमें रिसेप्शनिस्ट जैसे काम कराते थे, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो ये आयुष दर्पण बहुत अच्छा है, इससे बहुत सीखने को मिल रहा है।
और आपसे तो बहुत सीखने को मिल रहा है सर। हेलो सर, अनुरीता मैडम बोल रही थी कि मैं आपसे मिल जाऊंगी, लेकिन हेलो मुझे ना थैंक यू सर। व्यक्ति पूजा श्रेष्ठ नहीं होती है, ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, व्यक्ति की पूजा नहीं। मैं कभी भी किसी से अपना मेरा आप मेरे पैर छुओ, मेरे को सम्मान दो, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ। ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। हेलो सर, अरविंद सर आप जो भी लोग ये प्लेटफॉर्म पे हैं, जितना मैं अरविंद जी को जानती हूँ, मुझे लगता है शायद सिर्फ बैचमेट में उनको देखा होगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कई साल से ऑब्जर्व करती हूँ। मैं उनको मन में गुरु मानती थी, अभी एक्चुअल में गुरु मानती हूँ। लेकिन जो लोग पूना से है वो लोग ऑल ओवर इंडिया के लोग सबसे पहले बात जान लीजिए, कास्टिज्म और जो लोग पूना के कास्टिज्म को बेयर कर लेना, वो बंदा कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने में भी कभी हार नहीं मानेगा। और ऐसे में वो मैडम जो अभी बात की, सॉरी आई डोंट नो योर नेम, मैंने बिल्कुल चौहान जी आई ओ टू यू, क्योंकि आप उभर के एमडी की है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, और मैंने टेंथ छोड़ने के बाद में जब यहाँ आई तो जैसे अरविंद सर को तो मराठी संस्कृत आती है, बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित है। मैंने एमडी तक हर एक को गुरु मान के तीन गुरु किए हैं। आज मैं उनको गुरु वर्ण करके ही उनका नाम लेती हूँ। लेकिन 5 से 5.5 साल बहुत बड़े आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी से डॉक्टर उपस्थित करते हैं, जो किड़क के है, किड़क सबसे नंबर वन है सर को मालूम होगा नाम महाराष्ट्र में। और दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट है डॉक्टर कोटिकर सर, जो अहमदनगर के गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके यहाँ पे मैंने 5 साल पुड़िया बांधी है। लेकिन जो काफी जो मैंने बेयर किया मराठी ना जानने की वजह से हिंदी, क्योंकि मैं अपनी बैच की अकेली लड़की थी जो हिंदी भी इंग्लिश में लिखती थी, बिकॉज मुझे लेक्चर्स समझते नहीं थे, मैं उस मीडियम की हूँ। तो मैंने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से संस्कृत विद्या पदविका करके मराठी पेपर से सीख के फिर किया, लेकिन मेरा 1 साल आधे मार्क्स की वजह से, सिर्फ मैंने रैगिंग में नहीं सुना किसी का, इसकी वजह से। तो उसके बाद भी मैंने जो आज अरविंद सर बोल रहे वो सब कुछ मैंने बेयर किया हुआ है। बिलीव कीजिए मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन पहली बार मैं सबके सामने इस पैनल पे डॉक्टर अरविंद जी ने जो सिखाया इनडायरेक्टली डायरेक्टली और आज पे इस पैनल से सिखा रहे। थैंक यू टू जोशी सर जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म आयुष दर्पण का रखा और इतने सारे ज्ञानी लोग के बीच में उनको समझता है। आज 25 साल की प्रैक्टिस के बाद ही मैं कॉपी पेन लेके बैठती, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन मेरे से बात नहीं करे, बस मैं पहले सीख लू आयुर्वेद से ही, थैंक यू उसके बाद में। बट बिलीव मी इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड अरविंद सर यू आर वेरी ग्रेट, आपका लेवल नहीं जानते हैं गुरु, और ऐसे बहुत गुरु हो जाएंगे यार, आपको लगता है कोई पैर ना छुए, सचिन विद्या को नमन। लेकिन हर एक को वही पदवी मिली है, हर एक की वही डिग्री है, हर एक के पास में संस्कृत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो आप पठन करते हैं, आप जो सिखाते हैं, उसके पीछे के बिहाइंड है। जैसे मैंने दलहन टीका चरक समझने के लिए, शुष्क समझने के लिए, दलहन टीका चरक समझने के लिए चक्रपाणि का इतना कोशिश किया, जब हम प्रॉब्लम लेके जाते थे ना, जस्ट बिकॉज आई एम नॉन ब्राह्मण, तो मैंने बहुत बेयर किया है। बिलीव मी यू हैव एन ऑप्शन टीचिंग दिस थिंग, बस यू स्टे वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड विद एवरी टाइम। मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, इसलिए मुझे नहीं सिखाया गया है, तो भी कुछ नहीं। मराठी हूँ, मैं बचपन से मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, सर ने तो सबको सिखाया, मतलब नहीं सर। एक बात बोलूं, जमदग्नि सर का आपको गुरुत्व मिला, ये बहुत लकी बैच है। मैं जब 93 की बैच में, 94 की मैं जब उनके पास में गई थी, तब वो लड़कियों को बैच में नहीं लेते थे, क्योंकि वो इट इज अ टाइप ऑफ 97-96 की बात कर रहे हैं। मैंने जिन लोगों का कुछ कॉज था, उसका कुछ कॉज है, मैं बताती सर, उनके बैच में मेरी बाद में मेरी बैच में बाद में उनके क्लिनिक में जाने लगी। दूसरा चीज बहुत विवादित वो चीज है, मैंने गोखले सर का ग्रुप को लिया, मैंने मॉडर्न सीखा गोखले सर से, मैंने जानबूझ के डेलिब्रेटली एमबीबीएस स्टडी किया कि मैं अभी एमबीबीएस छोड़ दूंगी और मुझे नहीं समझता है मराठी संस्कृत। तो मैंने एमबीबीएस की पूरी तैयारी की, लेकिन मेरा जीआर 99 खत्म हो तो आज मुझे हैप्पी फील होता है, थैंक यू फील होता है कि भले मेरा आधा मार्क से मेरा बीएमएस का फर्स्ट ईयर गया, लेकिन नानक सर ने मुझे रोका और उन्होंने बोला नहीं बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे लोकल गार्डियन मेरे प्रिंसिपल ही थे, और वहां पे मैंने बहुत कस्टिज्म सेंड किया, क्योंकि डोईफोड़े सर थे, सबको डोईफोड़े सर का नाम मालूम है, केरल के डीन रहे, यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं वो। तो बहुत मतलब मेरे लिए परमिशन निकालना, इंग्लिश में लिखना, आज भी मैं पूरा शास्त्र पढ़ती हूँ ना, तो सामने मराठी इंग्लिश की और संस्कृत और इंग्लिश की लिखने भी रहती, तब मुझे संस्कृत समझता है। लेकिन हाँ, श्लोक मुझे पूछे, मैं सारे आंसर आपको श्लोक में दे सकती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि रेट्रोवर्सल स्टडी सीखने में और प्रैक्टिकल स्टडी सीखने में, क्योंकि हम दिल पेशेंट
जैसे साथ मुझे कहीं का भी पेज बता दीजिए, लेकिन जो आप संगति बताते हैं, जो आप पूरा वाक विस्तार दोष और दुष्य समोचना के साथ में जो संप्राप्ति भंग सिखाते, वो कोई नहीं सिखाता सर। यहाँ पे जितने पैनल के लोग, अगर 80 लोगों को खोल दिया जाए ना, तो गिने चुने लोग मिलेंगे जिनके गुरु ने उंगली पकड़ के सीखा है। तो हैट्स ऑफ टू यू। मैं आईसीयू में भी रहती तो मुझे 4 बजे मेरे इंडिकेटर लगते हैं, मैं आज का सेशन नहीं सुन पाई, तो मैं बाद में पढ़ती हूँ और मुझे सिर्फ रात को टाइम मिलता है या अर्ली मॉर्निंग, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हेलो सर जी। सर मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ सर। हाँ बोलिए। मेरा भी सर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस हुआ है, पीजी हुआ है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने दिया ना सर, वो हमें आता ही नहीं अगर आप लोगों से हम नहीं जुड़ते थे। तो जैसे ये आयुष दर्पण का ये जो प्लेटफॉर्म है सर, मैं जैसे फेसबुक पे एक दिन सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करते करते नवीन जोशी सर का मर्म का लेक्चर चालू था सर, वो मैंने ऐसे ही सुना। तो कोई टीचर इतने इतने अच्छे से सिखा सकता, वो उस दिन पता चला सर कि वो सर का पढ़ाना इतना अच्छा था। फिर मैं वो कंटिन्यू, जैसे फिर धीरे धीरे फिर शिल्पा मैम, फिर आपके लेक्चर्स, वो जैसे मैं वो देख रही थी सुन रही थी, फिर पता चला कि भाई ऐसा गूगल फॉर्म भर के फिर संभाषा में ऐड हो सकते हैं सब। तब से लेके मतलब सिर्फ अभी मैं फेब्रुवरी में ज्वाइन हुई थी, फेब्रुवरी मार्च में, तब से लेके आज तक ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मैंने 10 साल जो कॉलेज में गए गुजारे, पीजी यूजी और पीजी किया मैंने, वो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अभी मेरे 3-4 महीने में मैंने जितना सीखा वो 10 सालों में मैंने सीखा ही नहीं था सर। तो जो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने हमको दिया है ना सर, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है सर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने बिल्कुल सत्य बोला है, बिल्कुल सर। 10 साल में मैंने जितना भी सीखा होगा, जस्ट पास होने के लिए बोलिए, या जैसे जब यूजी में थे तो भाई अपना पीजी करना है उस हिसाब से किया, लेकिन जो नॉलेज अभी ये 4 महीने में मिला है सर, और उस तरीके से हम पेशेंट्स में देखते हैं कि कैसे संप्राप्ति बनती है, कैसे सर मैं हिस्ट्री टेकिंग मुझे आता था कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं संप्राप्ति भी कभी कभी बना लेती थी, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो रहता था ना सर, कि जैसे आज आपने जो सूतशेखर का लघु सूतशेखर, सूतशेखर कामदुदा प्रवाह पिष्टी जो बोला ना सर, तो वो मतलब हम इतने सालों से क्या कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब वो समझ में नहीं आता था सर कि भाई ये पेशेंट की ये कंडीशन है तो ऐसा देना चाहिए, ये करना चाहिए। वो अभी अभी हमको समझता है तो इतना अच्छे से रिजल्ट मिलता है कि खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई जो मेरा सिर्फ 1 मार्क से सर MBBS गया था, वो टाइम पे सर मेरिट बेसिस पे जैसे यूनिवर्सिटी वाइज एडमिशन होती थी, नीट नहीं था, तो वो जो मतलब वो डिप्रेशन था वो अभी ये 4 महीनों में कम हुआ है सर कि नहीं मैंने BMS किया है, बहुत अच्छा किया है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपको और नवीन जोशी सर को थैंक यू वेरी मच। सर एक और बात, अरविंद सर आप ये जो सारे लोग बोल रहे ना उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रैक्टिशनर तो हम में से हर कोई है सर, लेकिन आज मेरे हाथों से 25 साल में तकरीबन 8-10 हजार कैंसर, डायबिटीज, हार्ट, जो भी क्रिटिकल केसेस है, लेकिन अगर आप हमको यूजी के वक्त में सिखाते ना, मतलब मेरे यूजी के वक्त में या पीजी के वक्त में आप मिलते, तो शायद कई करोड़ लोग हैं कि जो ठीक हो जाते, और इतने सारे डॉक्टर की वजह से सिर्फ एलोपैथी का मतलब आयुर्वेदिक बोलबाला होता और एलोपैथी अब तक हट चुका होता, ऐसे मुझे लगता है। तो आपका सपना जरूर पूरा होगा सर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जैसे हर स्टूडेंट को, हर लोगों को सिखाती हूँ, इवन जैसे आप देखते होंगे मुझे कभी भी किसी को ये लगता है कि नहीं पहले वो पेशेंट ठीक कर दे, क्योंकि पढ़ाने के लिए हमको किसी ने पढ़ाया नहीं सर। मैंने 17 हॉस्पिटल अब तक सिर्फ सीखने के लिए ज्वाइन किए, और मैंने इवन ब्रेन सर्जरीज और क्रिटिकल केसेस के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में पैनल कंसल्टेंट रहे, लेकिन कोई नहीं सिखाता है सर। ये आप ही का कॉन्फिडेंस है जो आप आयुर्वेद के साथ में जब ट्रीट करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। एलोपैथी एक ट्रायल पैथी मैं तो बोलूंगी, बस इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको रिजनरेशन रिकवरी चाहिए और ह्यूमैनिटी में जो पंच धातु और हमारे अंदर के जो पंच तत्व है, इन दोनों का अगर आपको समागम करके अगर हमेशा की ट्रीटमेंट अगर चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, जिसमें हम रसायन है, जिसमें हम अपनी ह्यूमैनिटी का आत्मा और मन और शरीर इससे हम संलग्न करके जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें आप जैसे गुरु जो अपने मन से सिखाते हैं, तो मैं सच में बोलती हूँ और आयुर्वेद हमारा संजीवन हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें सर, कि हम सभी वैद्यों को निरंतर सीखने का प्रयास करना है, कभी भी ये नहीं भाव आना चाहिए मन में कि मेरे को आता है सब कुछ। हाँ। जिस दिन ये भाव आपके मन में आ जाएगा कि मुझे आता है और इस फलाने आदमी को नहीं आता, उस दिन से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। हाँ।
तो इसलिए सबको ध्यान से सुननी है। विवेकानंद जी ने भी कहा कि संतुष्ट मत होइए ज्ञान के लिए, संतुष्ट कभी मत होइए। और हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा लीजिए मत, लेकिन सुनिए सबको ध्यान से सुनिए और निरंतर सीखने का प्रयास कीजिए। सीखने की कोई आयु नहीं होती। मेरी एक सलाह है सभी वैद्यों को कि कभी भी उनमें ये भाव नहीं आना चाहिए। मैं बहुत से वैद्यों से जुड़ा हुआ हूँ तो उनमें कॉन्फिडेंस होता है, कोई भी बीमारी हो समझते नहीं है उसको, लेकिन कह देंगे अरे मैं ठीक कर दूंगा इसको, चाहे वो कुछ नहीं कर पाए उसमें, एकदम ये निकलता है कि अरे हम इसको आयुर्वेद से ठीक कर देंगे। और आयुर्वेद के नाम पर देश में बहुत बड़ा अत्याचार भी हो रहा है। इतने चैनल्स पर लोग आते हैं, उनको कुछ नहीं आता, काका का भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो उससे भी आयुर्वेद का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो हमारे सब वैद्यों की जिम्मेवारी है कि हम सही रोगी को सही चिकित्सा दें और उतना काम करें जितना हमें आता है, कोशिश पूरी करनी चाहिए। वैद्यों से जो संभाषण में हम जाते हैं डिस्कशन करें, ये भावना लाएं कि मुझे सब कुछ आता है, हम सीखें निरंतर, और रोगी से जितना हम सीखेंगे वो कोई नहीं सिखाएगा हमें। हाँ, मेरी अपनी राय है कि सही बात है। तो रोगी में इन्वॉल्व हो जाएं पूरे तरीके से, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ जी। जब तक हम ऐसा भाव नहीं रखेंगे तो रोगी को, जब रोगी ठीक होगा तब हमें तो कितनी खुशी मिलती है। पैसा लूटना है उनसे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सीखना थोड़ना है आजकल। तो ये भाव जब तक नहीं आएगा, हम पेशेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे पूरे। जब पेशेंट दुखी होता है तो हमें भी दुख होना चाहिए, और पेशेंट जब खुश होता है तो हमें भी खुशी मिलती है जी। ये भाव के साथ जब हम काम करेंगे तो हम हर रोगी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है जी। जी, और चार लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। डॉक्टर आंचल वर्मा जी, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, नीलम जी, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर आंचल जी, हाँ प्रणाम जी। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना है मुझे। पेशेंट के बारे में, केस टेकिंग? संजीव जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या? हम लोग कहाँ चले गए सर, मुझे फाइनल ट्रीटमेंट दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हरिओम सर कुछ बताएं। हरिओम सर, आप संजीव जी के बारे में बताइए उनकी माता जी के लिए। सर केवल ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ मैं। हाँ ट्रीटमेंट बता दीजिए सर। इसमें जो है वो सीरम यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था इनका, उसका भी ध्यान रखते हैं। मैं एक प्रश्न एक ही प्रश्न पूछूंगा, उन्हें हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है, शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मैं शुगर। चलो ठीक है, अब तो फिर आप ट्रीटमेंट मेरा चाहे तो लिख लें और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो लिखें नीम की निमोली मिल रही हुआ। नीम की निमोली? हाँ, नीम की जो निमोली होती है उसकी मज्जा, निमोली की मज्जा। हाँ, महानिम बकायन उसी का एक रूप होता है बकायन, उसके बीज की मज्जा। बकायन की? हाँ, बकायन के बीज की मज्जा। बकायन ये कहाँ से मिलेंगी सर? अच्छा नहीं मिलेगी, चलो रहने दो, हटाओ। हरिओम सर, स्टोर से मिल जाए सर वो बता दीजिए। ट्रेन साहब मिल जाएगी? ठीक है मिल जाएगी। दोनों ही बता दीजिए सर, हमारे डॉक्टर धवन है, ढूंढ देंगे। चलिए पहले आप वो लिख लीजिए, दोनों मिल जाएंगी, मिल जाएगी, फ्रेश मिल जाएंगी। लिखिए सर, शतावर लिखे। अरे ये तो लिखिए, वो बाद में बता दूंगा। शतावर बिदारी कंद ब्रह्मी शंख पुष्पी देवदारू की लकड़ी मिलती है, छाल खास तो उसकी है। जाएगी। ओके, देवदारू इन सबको पीस लें या पिसा हुआ मिलता है? मात्रा? सब मिलता है। एक मिनट, बराबर मात्रा में सब पीस लें इनको, ठीक है? ओके सर। पीस के सुबह शाम इनको एक एक चम्मच पानी से देना है। सुबह शाम एक एक चम्मच पानी से देना है। पानी से आफ्टर मील, खाना खाने के बाद?
हाँ खाना खाने के बाद देना है। ठीक है सर। अब वो छोड़ दीजिए, अब निम्बादी चूर्ण ले लीजिए, सब जगह मिल जाएगा। निम्बादी चूर्ण, निम्बादी चूर्ण एक चम्मच सुबह शाम। हाँ एक चम्मच सुबह शाम, एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट, खाली पेट। अब चार दवाइयां और लिखिए, आरोग्य वर्धनी बटी, आरोग्य वर्धनी बटी बटी पंचतिक्त कषाय, पंचतिक्त कषाय पुनर्वा रिष्ट, रिष्ट। ठीक है। हाँ जी सर। और एक दवाई लिखिए, कोई भी एक लिवर का सिरप ले लीजिए उनके लिए, जो अच्छा लिवर का सिरप हो, जो आपको लगे कि बढ़िया अच्छा लिवर का सिरप है, अच्छी कंपनी का, दूध पापसर वगैरह का, वो अगर मिल जाए तो वो ले लें। ठीक है। ओके सर। आरोग्य वर्धन का डोज, इनका डोज आरोग्य वर्धनी दो दो गोली सुबह शाम पानी से लें, दूध से ना लें। टू टेबलेट बीडी विद वाटर। हाँ पंचतिक्त कषाय 15 ml सुबह 15 ml शाम को। ओके ठीक है। हाँ और ये पुनर्वा रिष्ट है, ये 20 ml सुबह 20 ml शाम को इसको पानी में मिला लें और फिर पी लें। पंचतिक्त कषाय पीना है वैसे ही, ये पुनर्वा रिष्ट पीना है, वो भी पानी में डाल के पीना, पंचतिक्त वो भी पानी में डाल के पीना है, बहुत कड़वा होता है। ओके ठीक है। इस इनको जो है वो 15 दिन खिला दीजिए, फिर इनका क्रिएटिन लेवल चेक करा लीजिए, ऊपर वाले ने चाहिए तो क्रिएटिन लेवल 1 से नीचे आ जाएगा, और जो प्रोटीन जा रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी, भूख अच्छी लगना शुरू हो जाएगी और रोग से छुटकारा मिल जाएगा मेरे हिसाब से 15 दिन में ही सर। लेकिन ये आगे भी, लेकिन ये इस चीज का ध्यान रखना कि ये दवाई जो है अगर क्रिएटिन लेवल 15 के 15 दिन में अगर 1 से नीचे आ जाए तो 6 महीने तक दवाई खिलानी है। ओके 6 महीने में बीच में, और इसमें खाने में परहेज आप थोड़ा सा सुन लीजिए, जितनी भी खट्टी चीजें हैं सब बंद कर दीजिए। खट्टी चीजें सर? हाँ खट्टी चीजें, चाहे वो आम हो या फिर नींबू हो, केवल आंवला को छोड़ के। आंवला खा सकती हैं, आंवला का अचार अगर खा सकती हैं, ठीक है। आम नींबू नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, ठीक है। विटामिन सी सर कहीं मैंने पढ़ा था ले सकते हो, विटामिन सी, विटामिन सी नहीं ले सकते। विटामिन सी हाँ आंवला के रूप में ले सकते हैं, लेकिन संतरा बंतरा नहीं, नहीं प्योर विटामिन टेबलेट तो नहीं लेनी विटामिन सी की। नहीं नहीं विटामिन सी प्योर टेबलेट नहीं देनी, बस केवल मैंने वैसे सब खट्टा बंद किया है, केवल जो है आम मतलब क्या है उसको आमलकी को छोड़ के, यानी कि आंवला को छोड़ के आंवला खा सकती है बस। ओके आंवला तो वैसे भी फायदा करेगा। हाँ और उनके जो जितने भी दूध के प्रोडक्ट है, ठीक है, डेयरी मिल्क, हाँ दूध के प्रोडक्ट है वो सब बंद कर दीजिएगा। दालों में उनको मूंग की दाल रखिएगा, और मूंग की दाल के साथ में, ठीक है, मसूर की दाल खाएं, मसूर की दाल खाएं, सूखे हुए, हाँ सूखे हुए चने ना खाएं, तले हुए चने ना खाएं, चने का एक प्रकार है अंकुरित चने ना खाएं, मतलब चने को किस रूप में खाना है वो समझने की जरूरत है। जो सूखे हुए चने होते हैं उनको घी में भून लो। ओके और घी में भून के उनको नमक की मात्रा कम रखें, इसमें नमक आप ज्यादा ना दें। हाँ जी हाँ जी ये मेरी सलाह रहेगी आपको कि नमक आप ज्यादा ना दें, अगर नमक खिलाएंगे आप ज्यादा तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि जहां पर किडनी इन्वॉल्व होती है वहां पर जो है वो नमक जो है नमक नहीं देना। हाँ नमक आप जो है वो जो सब्जी में डालते हैं पोटेशियम क्लोराइड यानी कि गेंदा नमक जो बता रहे हैं, ठीक है, वो आप उसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी ऐसा ना लगे कि इसमें नमक है, मतलब ये लगे कि सब्जी ठीक है। ओके ठीक है सर, ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, 15-20 दिन लगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, 1.7 कुछ ऐसा बता रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी
तो ये बन पैंट से ब्लड यूरिया आईटी है, ब्लड यूरिया आईटी है। हाँ 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 ठीक है, ब्लड यूरिया। हरिओम सर, नमस्ते सर, एक चीज पूछनी है मुझे। हेलो हेलो जी सर, इसमें कितने सीरम क्रिएटिनिन तक दे सकते हैं सर, जो जो चीज आपने बताई है? ऐसा है ना, इनका इनका एक केस अलग बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्हें न्यूरोपैथी नहीं है, इनको लिवर, हाँ इनको न्यूरोपैथी नहीं है, इनको लिवर में जो ना वो पित्त से और वायु, ये दोनों जो है, क्योंकि धत्व अग्नि की जो परिकल्पना की गई है और उसकी जठरा अग्नि से बिल्कुल साम्यवस्था बताई गई है कि उसी का पर आधारित होती है, लेकिन जब ऐसे केस बढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे पाचक पित्त होता है, उस पाचक पित्त में तीक्ष्णता अधिक होती है, उष्णता कम होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, तीक्ष्णता मतलब कहना चाहिए उसकी ज्यादा हो जाती है और उष्णता कम हो जाती है। उधर धातु अग्नि में जो मेन रूप से है वो समझने की पहले थोड़ा सा सीरीज समझ लें, जो पाचक पित्त है उसमें तीक्ष्णता अधिक होती है, उष्णता कम होती है, इसका एकदम थोड़ा सा उल्टा होता है कि धातु अग्नियों में तीक्ष्णता अधिक होती है और उष्णता मतलब कह रहे तीक्ष्णता कम होती है, उष्णता ज्यादा होती है। यहाँ पर जब ये सब चीज ऐसी हो जाती है तो वहां पर उष्णता बढ़ जाती है उनकी, और उष्णता के बढ़ने के कारण वहां पर कोत उत्पन्न हो जाता है और वहां से मांस धातु का क्षय होता है। मांस धातु से जब क्षय होता है तो वहां से प्रोटीन अलग होती है, क्रिएटिनिन अलग होती है और नाइट्रोजन अलग हो जाती है। लिवर नाइट्रोजन को पकड़ता है और सीधे सीधे यूरिया बना देता है। प्रोटीन क्योंकि एक बास प्रोडक्ट के रूप में आ गया तो वो हमारी वहां से निकलकर और स्रोतस से निकलकर और वो सीधे हमारे यूरिनरी सिस्टम में जब जाता है तो वहां पर वो उसको पास नहीं कर पाता। उधर उसमें कफ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कफ क्या करता है कि वो जो ग्लोमेरुलस की जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो रेट होता है उसमें जो छिद्र होते हैं उनको बंद करना शुरू कर देता है। जब वो बंद करना शुरू करता है तो क्रिएटिन जो है वो वहां से नहीं निकल पाता जितना वो निकलना चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि प्रोटीन क्रिएटिन का जो साइज होता है वो प्रोटीन के साइज से मतलब कहना चाहिए भी मतलब कहना चाहिए जो जो प्रोटीन निकलना शुरू होता है तो क्रिएटिन इतना मतलब कहना चाहिए उसका साइज उससे जब प्रोटीन निकल जाएगा तो वो कंडीशन अलग हो जाती है, और जो क्रिएटिन नहीं निकलता है तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। तो इसमें जो है हमारे लिए कफ पर बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं देना है, लेकिन ध्यान इतना देना है कि वहां पर जो प्रेशर बना रही है, जैसे मैंने अभी बताया था, थोड़े दिन पहले ही बताया था कि किडनी को प्रेशर बनाने के लिए, जब प्रेशर छानने के लिए उसमें बनता है तो वो उल्टा रिफ्लेक्स चलता है ऊपर के लिए, वो छान नहीं पाती है और वहां पर पोर जो है बड़े हो जाते हैं और वहां से फिर प्रोटीन निकलना शुरू हो जाती है। क्रिएटिन मतलब कहना चाहिए क्योंकि वहां लगातार इंटरनल जो धातु छह इंटरनल हो रहा है, पेट में तो जो संप्राप्ति चल रही है उसके लिए तो हम ये आरोग्य वर्धनी ये सब देने के बाद वहां पित्त के जो गुण है उनमें बदलाव लाएंगे और बदलाव लाने के बाद जो उसकी अवस्था पाके वो ठीक करेंगे, लेकिन धातु अग्नि को ठीक करने के लिए हमें मेद द्रव की जरूरत है, मूत्र जनन की जरूरत है, मूत्रल की जरूरत नहीं है। तो जितने भी मैंने ये बताया अश्वगंधा और ये सब शतावरी जितने भी हैं ये मूत्र जनन का काम करेंगे, तो वहां पर उसको शांत करेंगे और पित्त के जो उष्णता को शांत करने के बाद फिर वहां पर जो उसका जो कोथ हो रहा है वो वहां पर बंद कर देंगे और फिर जो है वहां से प्रोटीन का जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होना बंद हो जाएगी। जब प्रोटीन डिसइंटीग्रेट बंद हो जाएगी तो क्रिएटिन भी बनना बंद हो जाएगा और क्रिएटिन बनना बंद हो जाएगा तो नाइट्रोजन नहीं बढ़ेगी और फलता नाइट्रोजन जब मिलेगी ही नहीं उससे ज्यादा, जितनी साम्यवस्था में उतनी मिलेगी लीवर को, तो वो यूरिया मतलब कहना चाहिए बनाएगा ही नहीं, और जब यूरिया जितनी ज्यादा बनाएगा ही नहीं तो पेशेंट को जो आखिर में यूरिमिया एक स्टेज होती है वो स्टेज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये उसकी संप्राप्ति है और थोड़ी सी है, बाकी आप जो ट्रीटमेंट है वो आप चाहें तो इसको करें 15 दिन, उसके बाद जो है फिर क्रिएटिन लेवल कितने उसका उनका कितना है, चाहे तो 8 दिन के बाद क्रिएटिन लेवल करा लें, 8 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कम से कम एक के आसपास थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है तो आप फिर कॉन्फिडेंटली हुई है और फिर चिकित्सा को आगे बढ़ाइए। सर ये तीनों चीजें देनी, शतावर, बिदारी का, नादी का चूर्ण आपने बताया,
निम्बादी चूर्ण ये सारी चीजें देनी है। हाँ 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 निम्बादी चूर्ण और जो आपने लास्ट में चार बताई टेबलेट रोग्यवर्धनी वटी वगैरह ये सारी चीजें इकट्ठी देनी है 15 दिन नहीं धीरे धीरे करके दे दें। ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हर मेडिसिन को आप एक बार में साथ में लेके पोटला बैठ जाएं और मरीज को खिलाएं, मरीज को भी इरिटेशन होगा। नहीं एक बार मतलब देनी तो एक दिन में सारी है ना। हाँ धीरे धीरे हाँ सुबह शाम देनी है दोनों टाइम देनी है। मुझे एक बात 15 दिन के बाद सर ये फिर आप 8 दिन के बाद करा लीजिएगा क्योंकि ऐसे पेशेंट को क्योंकि कॉन्फिडेंट बढ़े आयुर्वेद में और आपको लगे कि मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिल गया है तो फिर आगे बढ़ाएं अन्यथा फिर पर संभाषा में रखें तो अगर उसमें कोई कमी होगी तो फिर उसको सुधारा जाएगा। लेकिन हम तो इसलिए कह रहे हैं कि 8 दिन में आपको आगे पीछे कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए क्रिएटिन वो ब्लड यूरिया कितना है आपका 80 मान लीजिए 8 दिन के बाद ब्लड यूरिया 50 आ गया तो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम ठीक हैं, ठीक है और आपके लिए अच्छा होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। सर मान लो नॉर्मल आ जाता है 15 दिन के बाद या 8 दिन के बाद तो फिर उसके बाद भी रेगुलर देते रहना दवाइयाँ। हाँ दवाइयाँ तो छह महीने खिलानी है क्योंकि धातु अग्नि 15 दिन में ठीक नहीं हो सकती फिर 6 महीने खिलाते रहे। मुझे कहना था थोड़ा हेलो मुझे ये कहना था कि उनकी एज अभी हेलो हाँ जी हेलो मुझे ये कहना था कि उनकी एज 82 इयर्स है ये वात का काल है और हम सब वात वर्धक दवाई दी जा रही है इसमें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें बस्ती का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। कहाँ दे रहे हैं वात बस्तक मैंने तो सबसे पहले करेगी। अरे मैडम सबसे पहले मेद द्रव्य बताए हैं बस्ती से वात शमन भी होगा और अनुलोमन भी होगा और जो उद जा रहा है सब विष वो भी कम होगा बस्ती का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग होगा ऐसा मुझे लगता है। देखिए ऐसा है मैडम मैं आप दे सकते हैं बस्ती मुझे कोई वो एतराज नहीं है लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पक्वा समय में तो थर्ड स्टेज है वहीं से तो क्रिएटिन बनना है मतलब ठीक वहां से मज्जा धातु जो मज्जा इस मज्जा का इसने है वो एब्जर्व हो ही नहीं रहा है इसलिए ब्लड कम होता चला जाएगा सीधे। पर ये हमें ये भी ध्यान रखना है ना उनका एज 82 इयर्स है और वो वात का काल है ये तो हम थोड़ा सा उनको बात ये को भी शांत करना चाहिए। मैडम बात देखिए जितने भी द्रव्य मैंने बताए हैं वो सब बात के ज्यादातर शामक हैं वो किसी ना किसी रूप में बात को ही शांत करते हैं। निम्ब तो बहुत रुक्ष होता है और आप सबने तिक्त ज्यादा बताया और तिक्त तो वायु वर्धक होता है एक अब मैं आपको द्रव्य ज्यादा बताए हेलो द्रव्य ज्यादा ले जा रहा हूँ एक मिनट मैं वही ले जा रहा हूँ आपको कि तित्त रस से ही पित्त के गुणों को शांति मिलती है पर वाद भी तो बढ़ता है इससे और उनका एज देख के तो वात वर्धन नहीं करना चाहिए ऐसा इतना। अच्छा तो आप ऐसा करिए ना इसमें संशोधन करके फिर आप ही बता दीजिएगा। नहीं मुझे लगता है बस्ती भी ऐड कर दीजिए इसमें। हाँ तो बस्ती करवा दीजिए। हरिओम सर ने इसमें सतावर और विदारी वगैरह बताया ना तो वो उसके गुणों को बैलेंस कर देगा बैलेंस तो कर देगा हाँ, पूरे पूरा बैलेंस। हाँ, इसलिए जो है मुझे तो इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। मैं शाहजहांपुर से बोल रही हूँ गरिमा। हरिओम सर का ये जो ट्रीटमेंट है प्रणाम सर हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो भी बहुत अच्छा था और इन्होंने विदारी मिलवाया है सतावर मिलवाया है तो वो निम्ब बीज में मिलवाया ना तो मैम वो बैलेंस कर देगा इसलिए मुझे तो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। बस्ती का बहुत सारा उपयोग होगा। नहीं आपकी बात भी सही है अगर इसमें अनुलोमक की अनुलोमक भी होगा वो। हाँ आप सही कह रही हैं। नहीं नहीं अगर इसमें तो अच्छी होगी लेकिन ट्रीटमेंट भी उनका बहुत बढ़िया है। ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है मैम और इसमें मुझे लगता है अगर तिक्त चीर बस्ती भी ऐड कर दी जाए आपकी भी बात सही है तो ये और अच्छा वर्क करेगा। अगर बस्ती ना भी ऐड की जाए अगर शुरू में ये ट्रीटमेंट दिया जाए तो भी बहुत अच्छा है दोनों चीजें सही है। बाकी डॉक्टर अरविंद सर को क्लियर करें सर कि क्या बेस्ट है। अभी इसमें जो है इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर को लाएगा नीचे। हरिओम सर हैं इसमें ब्लड प्रेशर पर काम करेगा ये ट्रीटमेंट। जो किडनी पर लोड ही नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा। नहीं किडनी पर लोड क्यों आया प्रश्न ये है। किडनी पर लोड इसलिए आया क्योंकि ब्लड यूरिया बढ़ रहा है वहां से ब्लड नाइट्रोजन निकल रही है और लिवर उसकी फॉर्मेशन कर रहा है ब्लड यूरिया के रूप में।
किडनी बाद में, किडनी में बाद में समस्या हुई, कारण पहले कहीं और था। हाँ नहीं पहले मुझे... हाँ ये बस यही तो समझने की जरूरत है कि वहां पर पहले, वहां पहले प्रोटीन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था, और डिसइंटीग्रेट शुरू होता है नाइट्रोजन कहाँ जाएगी बॉडी से, तो ऐसे तो बाहर निकल नहीं जाएगी, वो किसी के साथ नहीं, 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 साथ, साथ में लेकर निकलेगी। आप तो उसने ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, किडनी में समस्या बाद में आई। हाँ उससे पहले क्या दिक्कत रही? उससे पहले किडनी में बाद में क्या पहले रहा? हाँ तो ब्लड प्रेशर रहा, ठीक है ना, कारण अब ब्लड प्रेशर का क्या रहा? सर पेन किलर भी काफी देर से खा रहे थे, उसका भी इफेक्ट पड़ा होगा। नहीं सर त्यागी सर, अभी हरिओम सर ने बताया ना, ये जो पित्त का जो था उष्ण गुण और तीक्ष गुण, अभी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा ना, तो जो वो तीक्ष गुण और उष्ण गुण बढ़ा है ज्यादा ना, इस वजह से जो है बीपी थोड़ा बड़ा होगा, और इसी वजह से जो है वो हाइपरटेंसिव हुई होंगी। आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हेलो जी, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। हरिओम सर, मेरी क्वेरी ये है कि जो रोगी है 82 वर्ष की इनकी आयु है, और ये जो वक्र में समस्या आई है, जो किडनी में प्रॉब्लम आई है, जो इनका यूरिया भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 1.7 है क्रिएटिनिन, ये सॉरी क्रिएटिनिन, और यूरिया भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा 82, ठीक है। पर मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया सीधा सीधा यूरिया और किडनी को कम करने के लिए दिया, मेरा प्रश्न ये है कि रोग की शुरुआत ही तो कुछ और रहा ना सर इनमें पहले, और एटू के बाद जो दिक्कत रही ब्लड प्रेशर रहा, जो उनको पेन रहता था, पेन के लिए वो पेन किलर लेते थे, तो पेन कहाँ रहता था, पेन क्यों शुरू हुआ और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? मेरा प्रश्न ये है कि जो ब्लड प्रेशर इनको रहता था जिसके लिए कोई टेबलेट लेते थे, ये पेन क्यों रहता था जिसके लिए पेन किलर रहते थे, पेन किलर और बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन, उसकी वजह से इनकी किडनी पे इफेक्ट हुआ है, मेरा प्रश्न ये है। तो बताऊं मैं? हाँ नहीं सर, ये जानना चाहता हूँ। हाँ तो मैं बता देता हूँ, जब कफ अपने मंद गुणों को प्राप्त होता है, ठीक है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उसके लिए क्या दे रहे हैं? देखिए सर, मैंने आपको एक शब्द में बता दिया, और आगे को आप सोचें। जब कफ अपने मंद गुणों को प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति में हर हाल में रक्तचाप बढ़ता है। अब उसका कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, उसका कारण स्रोत अवरोध भी हो सकता है, उसका कारण अम्लपित्त भी हो सकता है, उसका कारण मतलब कहना चाहिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्थिति उस समय गुजर गई, ठीक है, और इस समय इस कंडीशन पे खड़े हैं कि अगर हम ब्लड प्रेशर उसको क्या कहते हैं उसको दर्द को देखते रहेंगे तब तक हमारी किडनी निकल लेगी, फिर अब आप और हम दर्द का इलाज करते रहो फिर। नहीं नहीं सर, ये ट्रीटमेंट को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट दें आप, मैं कह रहा हूँ तो मैंने आपको एक शब्द में बता दिया, बाकी सब आप देख लो। कफ का जब मंद गुण जब बढ़ता है तो कफ तो ब्लड प्रेशर होता ही होता है, पहली समस्या ये हर किसी का आज की स्थिति में यही चीज है। दूसरा कुछ तनाव हो सकता है, क्योंकि बूढ़ी है इसलिए उन्हें तनाव की संभावना मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हो नहीं सकती, तो वो तो फैक्टर है ही नहीं उनके साथ में। हाइपरग्लाइसीमिया है वो उन्हें है ही नहीं। अगर हो सकता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और मैंने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे कफ का मंद गुण बढ़ा था, इसके कारण जो है मैंने निम्बादी चूर्ण इसलिए ही उसमें ऐड किया है कि वो वहां पर कफ का शमन करे। सर कफ तो है ही नहीं इनको रोगी को, एज ही अपना आप वात बढ़ा रही है, वात के कारण ही रक्त में वात बढ़ रहा है। अब आप ये भी तो देखो ब्लड प्रेशर, एज कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, एज ही थोड़ा सा ये भी देखो, मैंने आरोग्य वर्धनी और एक लिवर का सिरप इसलिए ही मैंने उसमें ऐड किया है कि वहां पर पित्त की शुद्धि हो, और निम्बादी चूर्ण पित्त की शुद्धि करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, नीम बकायन ये और एक अमरबेल,
आप जानते होंगे मैं ना अमरवेल जल्दी में किसी को बताता नहीं हूँ, बहुत दूर कहने से, जो अपने सामने दिलवाता हूँ अमरवेल के लिए। ये तीन ड्रग अगर एक साथ में दे दिए जाए तो पित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ छोड़ता नहीं है वो। अगर किसी को ये भी संभावना लग रही है कि इसको आगे जाके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी हो सकती है कफ के कारण, तो ये तीन चीजें दे दीजिए आप, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का भी खतरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पित्त शुद्ध हो जाएगा, एक भी कुछ नहीं छोड़ेगा उसके अंदर। और इसको देते भी किसमें है, इसको देते भी उसी के अंदर है कि नीम के पत्ती का स्वरस वो ले लें, और करेले की पत्ती का स्वरस वो ले लें, अगर वो ना मिले तो बकायन की पत्ती का स्वरस के साथ में उसको दे दें। तो मैं यहां पर जो है ना, ये चीज मायने नहीं रखती है कि ड्रग छोटा है, ये चीज मायने रखती है कि वो गुणधर्म उसका क्या है, वो गुणधर्म के आधार पर छोटा नहीं है, लगता है। अब जैसे मैंने देवदारू मिलाया, ठीक है, उसमें देवदारू भी मिलाया है मैंने, जबकि मैं चाहता तो देव दरवाजी क्वाथ भी दे देता, लेकिन मैंने ज्यादा मेडिसिन की वजह से देव दरवाजी क्वाथ उन औषधियों में ही मेद औषधियों में मिलवा दिया जो मूत्र जनन का काम करेंगी, और वहां पर अंदर की जो धातु, मतलब कहना चाहिए जो प्रोटीन का इंटीग्रेट हो रहा है उसको रोक दे, वहां कोथ को रोके, और वहां से जो कोथ निकल के आ रहा है, जो मांस का वास्तव में मांस से प्रोटीन जो है वो फैट वैट को किसी को मतलब कहना चाहिए वो नहीं कर रही है, क्योंकि नियम है कि पहले मतलब कहना चाहिए जो पचाएगा वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचेगा, उसके बाद फिर पसा पचेगा, और अंत में अगर कुछ नहीं मिला अग्नि को तो फिर वो सीधे सीधे प्रोटीन को ही पचाएगी, चाहे जो मर्जी कर लो। हरिओम सर, हरिओम सर, एक इसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बात रक्त की भी संप्राप्ति मिल सकती है क्या? यूरिक एसिड प्रोटीन की संप्राप्ति है ना। अच्छा सर, क्या माना जाएगा, किडनी के कार्य अल्पता हुई तब यूरिक एसिड बढ़ा, या यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी में कुछ असर पड़ा? अरे सर, मैंने अगर चीनी मिल लगाई है तो चीनी बनाने के लिए लगाई है, अगर उसमें से सीरा और धुआं निकल रहा है तो मैं क्या करूं? अगर प्रोटीन सर देखिए मांस से ही यूरिक एसिड बढ़ रहा है, और मांस से ही जो है वो क्रिएटिन बढ़ रहा है, और मांस से ही यूरिया बढ़ रहा है, तो टारगेट तो एक ही धातु ही। मांस भाई अगर प्रोटीन ही जा रही है, उसका गुरु गुण कफ का गुरु गुण होता है, होता कफ वही भी है, वो भी है, लेकिन उसमें कफ का ये गुरु गुण है कि प्रोटीन का नाम आएगा तो वहां पर गुरु आएगा, यानी कि शरीर की गुरुता को खत्म करने वाला जो गुरु गुण है वही छह की अवस्था में चला जा रहा है, तो फिर शरीर कहाँ रहेगा? तो यूरिक एसिड वृद्धि बाद में हुई है ना। हाँ, ये यूरिक एसिड तो देखिए, आप किसी को अगर ये कहें कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, मतलब एक आम जन बोलता है आज यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो हम उसे वायु की प्रकृति मान लेते हैं कि ये संधिवात है, ठीक है, तो वो उस लेवल पे धातु लेवल पे जो धातुगत है उस लेवल पे नहीं होता है, बल्कि वो कहाँ होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, धीरे धीरे करके हमारी मेटाबॉलिज्म में संबंधित है। अब जब अंदर से ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर तो ये तीनों चीजें बढ़ेंगी ना, अंदर से अगर मांस का क्षय हो रहा है, अंदर से अगर गुरुगुण का क्षय हो रहा है तो फिर दिक्कत आएगी। अब एक स्थिति है जहां पर वो बनना शुरू हुआ, मैंने पनीर खा लिया, पनीर का सही से पाचन नहीं हो रहा है, तो गुरुगुण वहां पर, अगर वहां पर गुरुगुण में कोई भी दिक्कत आती है तो वहां भी क्रिएटिन बढ़ेगी, वहां भी यूरिया बनेगा, लेकिन वो संप्राप्ति बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगी, किसी का जीर्ण होगा, किसी का अग्निमांद होगा, किसी का यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिक एसिड एब्जर्व होगा, वो संधियों में जाएगा, किसी भी संधि में जाएगा। अब संधि का मतलब भी अलग अलग है, संधि का मतलब ये तो हो नहीं सकता कि सब ज्वाइंट की संधि है, हो सकता है मसल्स टू मसल्स वो भी संधि होती है, हो सकता है। अब हमारे आचार्यों ने तो संधि शब्द कह के छोड़ दिया ना केवल, और हम लोग जो है वो संधि को एक ही रूप में ले लेते हैं, वो क्या कि जहां भी है संधि हड्डी का नाम ले लिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मसल्स टू मसल्स वहां भी संधि हो रही है, टेंडन टू टेंडन वहां भी संधि हो रही है, टेंडन टू मसल्स वहां भी संधि हो रही है, मसल्स टू बोन वहां भी संधि हो रही है, तो जहां पर किसी भी प्रकार की संधि हो आचार्यों ने उसको संधि ही कह दिया, और हम लोगों ने उसको केवल एक पॉइंट फोकस कर दिया कि जहां जोड़ हो बोन टू बोन का वही संधि है, बस गलती हम यहाँ करते हैं। ठीक है सर, वैसे हमारे हिसाब से
अभी हम क्लियर नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट चलाइए आप ये। सर ये बकायन और नीम का वो मींज लेना है कि पत्ते लेना है आपको? निम्बादी चूर्ण ले लें, और निम्बादी चूर्ण को अगर नीम की पत्ती मिल जाए तो अच्छी बात है, बकायन की पत्ती मिल जाए। बकायन मतलब बड़ा निम्ब होता है, बकायन का पेड़ सब जगह लगे होते हैं ज्यादातर, जिनमें मोटी मोटी गुठलियां जैसी होती हैं, नीम से बड़ी होती हैं। कितने नग चाहिए सर? कितने नग लेना है? नग कितने पीस? हाँ नग वो मैं मात्रा बता दे रहा हूँ आप। नीम की जो है वो दो निम्बोली ले लें, अंदर की मज्जा निकाल लें उसकी, और बकायन की एक ले लें, दोनों बराबर मात्रा की। नहीं पत्र अगर लेना हो सर तो नीम, हाँ नीम पत्र ले लें, तो नीम पत्र बहुत ज्यादा लें तो 5 से लेकर 7-8 तक, बस 10 की गिनती ना करें, ठीक है। और बकायन के पत्ते भी 5 से लेकर 7-8 तक, मतलब इतने से उसका सूरज निकाल लें और फिर उसी के साथ में दे दें तो और अच्छी बात। अमरबेल में इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अमरबेल थोड़ी सी वो अपने देख रेख में देते हैं हम लोग वहां, कि भाई तोड़ के लाओ, हम निकालते हैं इसको, फिर उसको भावित किया जाता है हल्का सा गर्म करके, फिर उसका जो विषाक्त तत्व होता है वो खत्म कर देते हैं, तब देते हैं। लेकिन वो कितना गर्म करना होता है वो हमको देखना पड़ता है कि अभी इतना गर्म हो गया, इसमें से बुलबुले, जैसे ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन किसी को देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, तो अमरबेल का जब सोरस देते हैं तो जब उसमें से बुलबुले निकलने बंद हो जाते हैं, एक तो फिर निकलेंगे और फिर बंद हो जाएंगे, तब जो है समझ लें कि हाँ ये अमरवेल का अब जो क्या नाम है स्वरस है वो शुद्ध हो गया, अब ये कोई भी नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ कि सर कफ का मंद गुण अगर है तो क्या देना चाहिए, उसमें भी यही बकायन और नीम काम करेगा? हाँ हाँ, अगर कफ के मंद गुण को पहले जो है पहले बढ़ा पहले हाँ कफ के मंद गुण को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो आप हाँ आप विस्तुंडु पट्टी दे दीजिए, और कफ के मंद गुण को अगर घटाना है तो आप भल्ला तक दे दीजिए। हाँ भल्ला तक बढ़ाना है तो क्या दीजिए? अगर घटाना है ठीक है, हाँ घटाना है तो भल्ला तक दे दीजिए, और अगर बढ़ाना है तो बिस्तुंडुक पट्टी दे दीजिए। बिल्कुल सर, इफेक्टिव बिल्कुल सर। ये नीम ज्यादा यूज करने से वो शुक्रशय होता है, ऐसा भी सुना है, तो वो शुक्रशय करता है ना नीम? नीम धातु क्षय नहीं करता, नीम तो नीम धातु क्षय नहीं करता है, नीम जो है वो रक्त में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं जो उसको डिस्टर्ब करते हैं वो उनका पाचन कर डालते हैं। नीम को अगर आप लंबे समय तक प्रयोग करेंगे जब शुक्रशय होगा, हाँ अगर आप तो 15-20 दिन एक महीना खिलाएंगे तो शुक्रशय नहीं होगा, ये भी साइंटिफिक रिसर्च है। अच्छा सर,